नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। ये लल्लनटॉप की कहने को तो चुनाव यात्रा थी जो अब खत्म हो चुकी है। हम मुंबई में हैं, महाराष्ट्र की राजधानी, महाराष्ट्र की देश की आर्थिक राजधानी। यहाँ बहुत सी दिलचस्प चीज़ें होती है, हमने अब तक आपको दिखाई हैं। सिनेमा भी यहाँ है और सिनेमा में एक और पैरेलल इंडस्ट्री भी यहाँ चलती है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। तो हमने सोचा कि इस क्षेत्र के कुछ दिग्गजों से मुलाकात की जाए। तो मेरे आसपास लोग बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इस इंडस्ट्री के बारे में, इसका पूरा गणित, गुणा भाग, अच्छाई या बुराई या इन सब पर बात करने के लिए इन्होंने हमें समय दिया है। शुरू करते हैं, सबसे पहले परिचय लेंगे और फिर थोड़े गप्पे मारेंगे। सर आप बताइए, आपका नाम, आपका काम। मैं धनंजय कुमार जी, मैं जर्नलिज्म से आया हुआ हूँ, पटना में पत्रकारिता करता था जी। 90 में बॉम्बे आया तो भोजपुरी सिनेमा से मेरा संबंध जो है पटना से रहा है जी। और यहाँ फिर मैंने कई सीरियल्स लिखे, कई फिल्में लिखी, भोजपुरी फिल्म भी एक दो लिखी है मैंने। और यहाँ जो स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन है, जो हिंदी सिनेमा हो या मराठी सिनेमा हो या बांग्ला सिनेमा हो या भोजपुरी हो या पंजाबी हो या गुजराती हो, इनके जो राइटर्स का जो एसोसिएशन है उसमें मैं अभी ट्रेजरार हूँ। पिछले 5 साल से उनकी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा हूँ और एक नेतागिरी वाले रोल में हूँ स्क्रीन राइटर्स के लिए जी। और डायरेक्शन में भी हैं? डायरेक्शन में मैंने कुछ फिल्में डायरेक्ट की हैं जी जी। लिखा तो ढेर सारा लिखा है मैंने, काफ़ी कुछ लिखा है। शांति लिखा है आप? हाँ, शांति बता नहीं रहे हैं। शांति मेरा दूसरा सीरियल था, उसके पहले मैंने अघोरी सीरियल लिखा था जी टीवी के लिए, जो मेरा पहला सीरियल था। अच्छा। फिर शांति लिखा, फिर काफ़ी सीरियल आए, शगुन, एक टुकड़ा चांद का, कामयाबी, अभी लास्ट जो है मैं सीरियल लिख रहा था जात न पूछो प्रेम की, और बाकी छुटपुट चलते रहते हैं, सावधान इंडिया और ये सब लाल इश्क वगैरह वगैरह। ठीक है, आपके सफ़र की तरफ फिर लौटेंगे परिचय का राउंड खत्म होने के बाद, आप बताइए। नमस्कार, मैं हूँ स्मृति सिन्हा जी। मैं भोजपुरी फिल्मों में एक्ट्रेस हूँ, लीड एक्ट्रेस, और मैंने हिंदी सीरियल्स भी बहुत सारे किए हैं, लाइक विदाई किया है स्टार प्लस के लिए, फिर वक्त बताएगा कौन अपना कौन पराया किया है सोनी के लिए, और बहुत सारे सीरियल्स जैसा इन्होंने बोला छिटपुट, वो सावधान इंडिया और वो सब सीरियल्स जो वन एपिसोडिक होते हैं वो भी किया है। प्लस जो लास्ट मेरा शो था सोनी के लिए वो था सूर्यपुत्र कर्ण, और भोजपुरी इंडस्ट्री में तो है ही। सर मैं सुशील सिंह, भोजपुरी सिनेमा में अगर कहूँ तो लगभग 16-17 साल हो गए। पहली फिल्म जो तीसरे चरण की थी कन्यादान 2003 में आई थी, वहाँ से शुरू हुआ और अब तक जारी, लगभग 60-65 फिल्में हो चुकी। करते क्या है ये नहीं बताया आपने। एक्टर हूँ जो कहता है, विलन ज़्यादा किया है। मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैं दो कद्दावर विलन्स के बीच में बैठा हूँ, थोड़ा सा असुरक्षित महसूस कर लिया मेरे लिए। ठीक, हाँ तो विलेन के रोल ज़्यादा किए हैं, मेरे ख्याल से 90% विलेन का ही रोल। 90% जी जी। संजय जी। मैं संजय पांडे, विलेन ही करता हूँ भोजपुरी फिल्मों में। अभी फिलहाल कुछ दिनों से एक सीरियल कर रहा हूँ कलर्स के लिए, विद्या, पर उसके साथ साथ पैरेलल फिल्में भी चल रही हैं। लगभग गिना तो नहीं हूँ लेकिन लोग कहते हैं कि 250 से ऊपर फिल्में हो चुकी हैं मेरी। 250 से? हाँ, भोजपुरी में। उसमें विलेंस के रोल ज़्यादा हैं, मतलब अब तो पॉजिटिव भी कर रहा हूँ, बट मुझे मेरी पहचान जो है वो विलेन की है इंडस्ट्री में। ओम जी आप बताइए। नमस्कार, मैं हूँ ओम झा, भोजपुरी में इन दिनों म्यूज़िक कर रहा हूँ। मुझे लगता है पिछले 4-5 सालों से हूँ मैं इंडस्ट्री में प्रोमिनेंटली, बाकी हिंदी मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले की थी। हमने पवन जी के साथ एक फिल्म शुरू की थी बजरंग, उसके गाने बहुत चले थे, बट मेरी धमाकेदार एंट्री कायदे से हुई फिल्म बंधन से, जिसमें जिसके दो किरदार हमारे साथ हैं, एक तो मेन एक्ट्रेस स्मृति जी उस फिल्म की मेन नायिका थी और बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था इन्होंने, जिसकी वजह से फिल्म यादगार, और ऑफकोर्स संजय जी जिन्होंने बहुत अच्छा, तो वो हमारे लिए एक फिल्म थी वैसी जहाँ से मुझे लोगों ने नोटिस किया, और अब मैं सबकी दुआओं से ठीक ठाक काम कर रहा हूँ, सबके साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो हमारे पास राइटर साहब, डायरेक्टर साहब हैं, हीरोइन हैं, विलन्स हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हीरो नहीं है, वरना हम फिल्म के लिए लगभग प्रिपेयर थे यहाँ पे, है ना। ठीक है, ओके। मुझे आप थोड़ा सा ये बताइए, मुझे ये जानने में दिलचस्पी है, पहले तो मुझे ये हैरानी हुई कि भोजपुरी बेल्ट से इतनी दूर बेस मुंबई है, आपने मुझे जैसा कि बताया फुल प्रोडक्शन यहीं से होता है।
जी हाँ, पूरा यहीं बनती है फिल्में, भोजपुरी फिल्में सारी की सारी यहीं बनती है लगभग। एक आध दो जो नॉन प्रोफेशनल हैं वो कहीं और दूसरी जगह जाके कहीं बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं बिहार या यूपी में शूटिंग के लिए कहीं जाते हैं, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का सारा वर्क या कास्टिंग, हाँ मतलब ऑफिसेस कास्टिंग सब कुछ यही, सब यही होता है बिल्कुल, वो सब यही, सब यही। कितनी पुरानी है इंडस्ट्री हिंदी के साथ साथ या बाद में? नहीं, हिंदी तो 1913 से आती है, लेकिन भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत हुई है 1961 से, 61 से जी, और बड़ा चर्चित है ये तो, बहुत लोग अब जान गए हैं सब लोग कि नज़ीर हुसैन साहब जो थे, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट थे हिंदी सिनेमा के, वो गाजीपुर जिला के थे, यूपी के थे, भोजपुरी भाषी थे। तो कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद से जब उनकी मुलाकात हुई तो राजेंद्र बाबू ने उनसे कहा, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, कि भाई सब भाषाओं में फिल्में बनती, चूँकि वो कहते हैं कि वो भोजपुरी बहुत बोला करते थे, मतलब आमतौर पर जब राष्ट्रपति पद से अलग होते थे तो वैसे ही भोजपुरी बोलना शुरू कर देते थे वो। तो उन्होंने कहा कि हमारी भाषा में क्यों नहीं फिल्म बन सकती है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बनाते हैं। तो वो नज़ीर हुसैन साहब फिर वो भी चाह रहे थे कि कुछ अपनी भाषा में हो, लेकिन जब राष्ट्रपति महोदय ने कहा तो उनके अंदर और जो है प्रेरणा जगी, और उन्होंने फिर उनके पास एक कहानी थी जो उन्होंने विमल साहब को दी हुई थी, विमल राय साहब के लिए, उनके लिए पहले उन्होंने फिल्म लिखी हुई थी, और दो बीघा ज़मीन वगैरह फिल्म में, कई फिल्मों में थे वो, तो मेजर कैरेक्टर आर्टिस्ट थे हिंदी सिनेमा के। तो उनके पास एक स्क्रिप्ट थी जो उन्होंने कहा कि मैं इस पर फिल्म बनाता हूँ, और गंगा मैया तो है पीरी चढ़े वो की नींव रखी गई उसमें उनके पास स्क्रिप्ट थी, एक्ट्रेस कोऑपरेट करने को तैयार थे, चित्ररूप जी से बात हुई जो म्यूजिक डायरेक्टर थे हिंदी फिल्मों में काफ़ी, वो भी चर्चित थे म्यूजिक डायरेक्टर चित्ररूप साहब, तो चित्ररूप साहब भी चूँकि भोजपुरी इलाके से थे तो वो भी तैयार हो गए। फिर हुआ कि पैसे कौन लगाएगा, तो फिर एक फिनांसर के तौर पे एक व्यक्ति को खुद ढूंढा गया जो बीपी साहबादी जी हुए, जिन्होंने जो है पैसे लगाए उसमें। और मज़ेदार बात यह है कि उसकी जो है उसके जो गाने लिखे गए थे वो शैलेंद्र साहब ने लिखे थे। तो भोजपुरी फिल्म जो है इतने रिच तरीके से शुरू हुई थी, जहाँ पे नज़ीर हुसैन साहब जैसा व्यक्ति, जहाँ पे प्रेरणा देने वाला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जहाँ गीत लिखने वाला शैलेंद्र, एक्टर सारे जो थे वो सब नॉन हिंदी सिनेमा के नॉन एक्टर सारे थे। अच्छा जी, जैसे जैसे नज़ीर साहब खुद ही अपने आप में बहुत थे, फिर कुंदन कुमार थे, फिर जो है वो हीरोइन थी क्या नाम था उनका, कुमकुम भी बड़ी चर्चित थी, है ना, कुमकुम हीरोइन थी उस फिल्म में। तो बाकी जो करेक्टर आर्टिस्ट थे सारे वो सब, तो इस तरह से भोजपुरी फिल्म शुरू हुई। और जब रिलीज हुई, कहते हैं कि बनारस में पहली बार रिलीज हुई थी वो, तो ज़बरदस्त चली, मतलब लोग जो है बैलगाड़ी पर चढ़ चढ़ के आते थे, दो दो दिन तक सिनेमा हॉल के बाहर बैठे रहते थे, क्योंकि टिकट नंबर आएगा तो देख के ही, हाँ देख के ही जाना है, ये आलम था। और उसके गाने सारे जो है जो फोक के तौर पे आज जाने जाते हैं, जो सुपरहिट सारे सॉन्ग्स हुए। हालांकि शैलेंद्र साहब खुद जो है भोजपुरी नहीं जानते थे, हालांकि उनका बेस जो है बिहार रहा है, लेकिन वो हिंदी भाषी हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं लिख सकता हूँ भोजपुरी। तो चित्ररूप साहब ने कहा कि आप लिखिए, हम उसका भोजपुरीकरण करेंगे। तो चित्ररूप साहब ने भोजपुरीकरण उसका किया, गीत लिखे गए हिंदी में जो शैलेंद्र साहब ने लिखे। तो बड़ी प्यार से दिल से फिल्म बनाई गई थी और जो इतनी बड़ी हिट हुई। तो ये है फिल्म की शुरुआत की कहानी। अच्छा, फिर कारवा आगे बढ़ता गया। हाँ, कारवा आगे बढ़ गया, फिर दूसरी फिल्म जो एक महत्वपूर्ण फिल्म बनी उसके बाद, चूँकि एक तो भोजपुरी भाषा की फिल्म थी, तो ढेर सारे लोग जो बिहार यूपी से जुड़े हुए थे यहाँ सिनेमा में, उन लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि हमारी भाषा की भी फिल्म है। मराठी फिल्में बनती थी, गुजराती फिल्में बनती थी, पंजाबी फिल्में बनती थी, भोजपुरी में नहीं बनती थी। तो उनको लगा कि ये अच्छा अच्छा है, बनाते हैं। चूँकि बिहार यूपी के जो लोग हैं उनकी भाषाएँ जो मातृभाषाएँ हैं, जिसको सुन के वो बड़े होते हैं, वो लोकल रीजनल लैंग्वेज है, वो है वो मगही है, वो मैथिली है, वो बज्जिका है, वो अंगिका है, वो भोजपुरी है, वो अवधी है, ये सारी भाषाएं हैं जिसको सुन सुन के या जिसके बचपन में बोल बोल के बड़े हुए हैं। लेकिन जब कॉलेज में आते हैं या स्कूल में आते हैं तो हिंदी बोलने लगते हैं, फिर जब वहाँ से बाहर निकलते हैं फिर हिंदी, तो उनका संसार हिंदी हो जाता है। तो उनका जो स्वप्न है वो भोजपुरी में ही या मगही में ही चलता है, वो हिंदी में नहीं चल पाता। हम आज भी जो है हम हिंदी में नहीं सोचने की भाषा, खुद से बात करने की भाषा वो लोकल लैंग्वेज है। तो उनको जब लगा कि भोजपुरी में फिल्म बनाई जा सकती है और चल सकती है तो बड़ा अच्छा लगा। और फिर जो है एक बड़े फेमस विलेन थे तिवारी साहब, रामायण तिवारी जिनका नाम था, ढेर सारी फिल्मों में विलेन बन के आए वो जी।
उन्होंने दूसरी फिल्म बनाई लागी नहीं छूटे राम। अच्छा। और लागी नहीं छूटे राम के ये जान लीजिए कि उस ज़माने में मतलब 1962 में बनी वो फिल्म, 1962 में बनी, 63 के पूर्वार्ध में रिलीज हुई थी। तो उसमें कहानी इतनी ज़बरदस्त थी, सोच लीजिए, कल्पना कीजिए आप कि उसका ब्राह्मण जो है नायक था, नायिका जो थी नीचे जात की थी, और विलेन जो था वो राजपूत था। तो जो कास्ट का जो झगड़ा होता है, जो प्रेम कहानियों में हमारे यहाँ बहुत झगड़ा है अभी भी कि अब जात में ही शादी करनी है, तो उसको ब्रेक करने वाली फिल्म उस समय सोची गई, उतनी प्रोग्रेसिव फिल्म सोची गई थी उस वक्त, है ना। बाद में तो क्या कहानी हुई, अलग कहानी है उसकी, हम फिर आगे अगर कहेंगे तो बात करेंगे। तो इस तरह से जो शुरुआत हुई बड़ी ज़बरदस्त हुई, लेकिन जब क्या होता है कि जब लोगों को लगा, चूँकि वो कम बजट में फिल्में बन रही थी और बहुत स्टार कास्ट वहाँ था नहीं, समझिए हिंदी फिल्म बनाते थे तो हिंदी फिल्म में धर्मेंद्र हो या अमिताभ बच्चन हो या और दूसरे एक्टर्स हैं जो उस समय थे, तो उनका बजट ज़्यादा होता था, लेकिन भोजपुरी कम बजट में बन जाती थी। तो लगा कि कई लोगों को लगा कि जो हिंदी फिल्में नहीं बना पाते थे कि भोजपुरी बनाई जाए, और उसमें नॉन भोजपुरी लोग या नॉन यूपी बिहार के लोग भी आ गए उसमें आ गए। हाँ, तो जिसे एक फिल्म बनाई गई, हालांकि विदेशिया जो बनी फिल्म, तीसरी फिल्म थी विदेशिया, विदेशिया फिल्म बेसिकली बनाने वाले लोग यूपी बनारस से लोग थे, प्रोड्यूसर थे जो यहाँ के थे, गुजरात के थे, लेकिन जो डायरेक्टर थे, जो राइटर थे, वो सब यूपी के थे। विदेशिया बड़ी चर्चित नाटक है इनका, भिखारी ठाकुर का। तो लोगों को ये लगा भी था कि भिखारी ठाकुर का जो नाटक है विदेशिया वही है, लेकिन उनका खाली नाम लिया गया फिल्म का, कंटेंट जो है विदेशिया उस फिल्म जो नाटक का जो कंटेंट है वो नहीं था, सिनेमा में अलग था। तो विदेशिया भी, और विदेशिया फिल्म जान लीजिए कि पहली बार सुजीत कुमार को उसमें हीरो बनाया गया था, पहली बार मौका मिला था उनको। और बच्चू भाई पटेल जो, बच्चू भाई शाह जो प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के, नदीम श्रवण को पहली बार ब्रेक दिया था जब दंगल फिल्म आई थी दूसरे राउंड की। नदीम श्रवण, अच्छा, हाँ, नदीम श्रवण को पहली बार भोजपुरी फिल्म में मौका मिला, पहली बार वो भोजपुरी फिल्म में उनको मौका मिला, और फिर वो हिंदी वालों पे छा गए। जी, दंगल फिल्म, दंगल फिल्म थी। तो इस तरह से शुरुआत का जो पहला भोजपुरी सिनेमा को बेसिकली तीन खंड में हम देखते हैं। एक शुरू जब हुई 1961 में शुरू हुई, तो वो जो है 4-5 साल के बाद आते आते ख़त्म हो गया सिलसिला, क्योंकि उसमें ढेर सारे कमर्शियल टाइप लोग जुड़ गए और कुछ भी बनाने लगे। तो भोजपुरी जो लैंग्वेज है बेसिकली, इसलिए जब देखेंगे भी आप फिल्म, जो भोजपुरी की फिल्में हैं उसमें गानों में या कहानी में आंचलिक पुट है वहाँ का, उस समय की फिल्मों में लगता है कि हाँ ये बिहार यूपी में ही हो सकता है इस तरीके का जीवन, उसमें वो दिखाई पड़ता है, उस समाज की कहानी थी, जिसे लागे नए छूटे राम हो या गंगा में या तो पीरे चढ़े वो हो, कि एक एक बूढ़ा आदमी जो है, एक आदमी जो है अपनी बेटी की शादी करनी है, उसको दहेज के लिए पैसे नहीं है, तो एक बूढ़े आदमी से अपनी बेटी की शादी देख कर देता है। तो हमारे समाज की बड़ी बड़ी समस्या थी दहेज प्रथा जो है, बहुत बड़ी समस्या थी। हाँ, राकेश पांडे की पहली फिल्म थी वो। तो जो उस समय दर्शक भी जो हमारा था भोजपुरी सिनेमा का, वो मूल तौर पे महिलाएं थी, फैमिली थी, क्योंकि वो भोजपुरी के साथ एक त्रासदी है, या बिहार यूपी के जो लैंग्वेजेज है उसके साथ एक त्रासदी है कि वो घर की भाषा रह गई। बाहर जो है, जैसे हम घर से बाहर निकलते देहरी रांगते हैं, हम हिंदी अपना लेते हैं, हमारी भाषा हिंदी हो जाती है जी। लेकिन घर के अंदर जो है, हम अपनी माँ से बात करते हैं, अपने पिताजी से बात करते हैं, अपने रिश्तेदार से बात करते हैं, तो हम लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो वो भोजपुरी फिल्मों के साथ वही जैकेट के चिपक गया कि वो, हाँ, कि ये घर की फिल्म है, वहीं उसको महदूद करके रख दिया। हाँ, तो वहीं फंस गई फिल्म, बेसिकली भोजपुरी फिल्म फंस गई है जी। जी, जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं वैसे ही लोग थोड़ा उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। ओके, आपका कैसे सफर शुरू हुआ इस इंडस्ट्री में, कैसे आई आप, कहाँ से हैं आप? मैं हूँ बिहार से जी, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, और मैं अपनी एक्चुअली पढ़ाई करने आई थी मुंबई। तो यहाँ बस ऐसे ही मुझे एक भोजपुरी फिल्म की का ऑफर आया, तो मतलब थोड़ा सा घर पे भी ये हुआ कि नहीं नहीं फिल्म में कैसे, मतलब ये करने थोड़ी गई हो तुम, तो पढ़ाई करने गई हो। तो थोड़ा बहुत घर के अंदर फिर वो हुआ, माहौल अच्छा नहीं रहा था, फिर पापा को किसी तरह मना वना करके फिर मैंने पहली फिल्म की, रंगीला बाबू। किसके साथ? ये फिल्म थी बाली, मैं
बाली जी डायरेक्टर भी थे इस फिल्म के, एंड दिनेश जी और स्वीटी छाबड़ा, तो हम चार लोग थे उस फिल्म में. क्या रिजल्ट रहा? रिजल्ट वाज फाइन, नॉट दैट गुड, बट उस समय के हिसाब से वो बहुत अच्छी नहीं चली थी. ओके फिल्म थी, कॉमेडी थी, तो कुछ अलग उन लोगों ने करने की कोशिश करी थी वैसा. फिर सेकंड फिल्म मेरी आई शादी ब्याह. तीसरी फिल्म मेरी थी प्यार बिना चैन कहाँ रे, पवन जी के साथ, जो उस टाइम पे वो राइजिंग स्टार थे, और वो भी मेरी अच्छी चली थी, लाइक वो हिट फिल्म थी. चौथी फिल्म आई मेरी साजन चले ससुराल. तो ये फिल्म, इस फिल्म से फिर मुझे एक, जो एक एक्टर को एक फेम की ज़रूरत होती है, तो वो मेरी चौथी फिल्म थी और खेसारी जी की फर्स्ट फिल्म थी. तो आज जो खेसारी लाल यादव आज एक अच्छे बड़े स्टार हैं भोजपुरी के, अगर चार पांच नाम हैं तो उनमें से एक ही वो भी हैं. तो उनकी वो पहली शुरुआत थी और मेरी चौथी फिल्म थी. ठीक है, तब से आपका सितारा जी चमक रहा है. अच्छा, आपका कैसे आना हुआ इंडस्ट्री में? शुरू में ही आपको विलन बना दिया गया या कैसे? हाँ, भोजपुरी की शुरुआत तो विलन से हुई. अब चूँकि बम्बई आना जो हुआ वो अगर एज एन एक्टर के तौर पे, तो उस समय नहीं सोचा था कि भोजपुरी सिनेमा करना है. आए तो थे हिंदी के लिए ही सब लोग. एक फिल्म की थी मैंने, एक दो फिल्में, छोटा रोल था उसमें, आँच की थी नाना पाटेकर के साथ एक, और इसके पहले सीरियल भी किया था. बट कन्यादान 2003 में जाई थी तो उसमें मेन विलन था मेरा, और वहाँ से शुरुआत फिर हुई. फिर तो हाँ, आगे बढ़ता ही गया कारवां फिल्म में. फिर आपने बहुत हीरो की बद्दुआ ली, हीरो की माँ की. नहीं, ये भी कहा जा सकता है कि इन्होंने जो है भोजपुरी में आकर के अपने भविष्य को छोटा कर दिया. ये बहुत रेंज वाले एक्टर रहे. अच्छा. और जब मैंने पहली बार इनको देखा था तो मुझे लगा था कि भोजपुरी से भी, उस बेल्ट से भी कोई अच्छा एक्टर आ सकता है ना. तो ये बहुत दमदार अभिनेता है, लेकिन मुझे पर्सनली तौर पर मुझे ऐसा फील होता है कि आपने अपने आप को कम कर दिया. जैसे संजय पांडे जी, ये भी तो बड़ी ट्रेजिक टिप्पणी है. हाँ बिल्कुल है, और ये ट्रेड पे भी एक टिप्पणी है. नहीं देखिए, ऐसा होता है, होता क्या है कि एक तो अपनी भाषा, जैसे हम लोग कह रहे हैं भाषा है हमारी, अब भाषा का मतलब बोली जो है हमारी, हमारी अवधि है. अवधि और भोजपुरी के मिलती जुलती, बनारस का हूँ मैं पूर्वांचल से, तो भोजपुरी मुझे उस वक्त तक यही मालूम थी कि हम बोलते थे, हम लोग भोजपुरी बोलते हैं. सही भोजपुरी क्या है ये भोजपुरी सिनेमा में आने के बाद पता चला कि भोजपुरी ये है. इसके पहले तो हम अवधि बोलते थे, जिसको हम गांव बोलते हैं, अरे हमारा भोजपुरी फिल्म लगा, तो करते करते पता चला नहीं है, जो 300 किलोमीटर का रेडियस है ये भोजपुरी है. अच्छा, अब जैसे वाला भोजपुर अगर आप चलिए तो आरा सेंटर पॉइंट मान लिए, तो आरा, सिवान, छपरा, गोपालगंज, बलिया, बक्सर, बलिया, भोजपुर जिसको इलाका का इलाका ही कहा जाता है भोजपुर, कुछ यूपी कुछ बिहार, पूर्वांचल, यूपी का बॉर्डर पकड़ लीजिए आप, मतलब गाजीपुर से चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं. तो फिर मोहम्मदाबाद, नहीं भोजपुर में नहीं, गाजीपुर से बदलनी शुरू हो जाती हैं. टोन पार से होता है उधर से, गाजीपुर से शुरू, मतलब मेरी पैदाइश गाजीपुर है, तो हल्का सा वो टोन आना शुरू हो जाता है. अब चेंज, अवधि नहीं रह जाता, अवधि नहीं, अवधि छूट जाती है पूरी. हाँ, अवधि छूट जाती है. फिर गाजीपुर से फिर मोहम्मदाबाद, फिर बलिया, तो फिर जी. संजय जी, आपका क्या सफर रहा? मैं तो पैदाइश यूपी की है मेरी, आजमगढ़ की, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा ननिहाल है और घर आजमगढ़ में है. बट पापा चूँकि डिफेंस में थे तो मध्य प्रदेश में ही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई. वहीं भोपाल में थिएटर किया और वहां से फिर आया मुंबई, तो फिर यहां भी थिएटर किया. पंडित सत्यदेव दुबे थे उनके साथ. भोजपुरी, सही बोला सुशील जी ने कि भोजपुरी तो उस वक्त शुरू भी नहीं हुई थी, दूसरा दौर बंद हो चुका था. कुणाल जी को हम एक सीनियर एक्टर के रूप में देखते थे, कभी कभी दिख जाते थे कहीं. फिर जो दौर शुरू हुआ, सैया हमार रवि किशन जी की पहली फिल्म आई 2002 में, मेरी पहली फिल्म आई जिसको राजकुमार पांडे जी ने डायरेक्ट किया. उनकी भी पहली फिल्म थी, मेरी भी पहली फिल्म थी. वो एक सीरियल करता था मैं ईटीवी उत्तर प्रदेश के लिए, पंचायत, उसमें उन्होंने मुझे लिया था. उससे फिर फिल्म में लिया मुझे. उसके बाद लगभग धीरे धीरे फिल्में शुरू हुई. कन्यादान सुशील जी की फिल्म, उसमें भी रवि जी थे, फिर मनोज जी आए. तो धीरे धीरे करते करते ऐसा हुआ कि एक साल में एक फिल्में करता था, एक या दो भोजपुरी, बाकी मैं सीरियल्स करता था. मैंने लगभग 10-15 सीरियल किए हैं, बालाजी के, डीडी के. 2009 में एक फिल्म की मैंने, दीवाना,
जिसमें दिनेश जी सुपरस्टार उस वक्त बन चुके थे और राजकुमार पांडे डायरेक्टर थे। दीवाना बहुत बड़ी हिट हुई दिनेश जी के साथ, मैं एज विलन था उसमें। वो जो दौर शुरू हुआ तो फिर बस मैं करता गया, कारवां चलता गया और लगभग 250 फिल्में आज कर चुका हूँ भोजपुरी। तो विलन कब से बनाना शुरू किया? विलन तो मैं सोच के आया था। अच्छा, आप सोच के आए? मैं सोच के आया था मुझे विलन करना। ये बढ़िया बात है। विलन के बारे में मैं एक दिलचस्प बात बता दूँ, मुझे हमेशा से ये लगता है कि फिल्म में पावरफुल विलन ही होता है, क्योंकि 90% फिल्म में तो उसी का राज होता है। आखिर के 10 मिनट में ही तो वो पिट विट लेता है, मार खा लेता है या मर जाता है, बाकी तो उसी का होता है ना। इसके भाई को उठवा लिया, उसके पापा को मरवा दिया। हमारे साथ ये हो गया कि हम थिएटर से हैं जी, और थिएटर में अगर आप किसी को बोलो कि मुझे हीरो बनना है तो आपको मजाक उड़ाया जाता है। अच्छा। हाँ, अगर बोल दो कि मैं हीरो बनने सोच रहा हूँ, तो अगर आप रंगमंच में कोई आपको हीरो बोले तो समझ जाए कि वो आपका मजे ले रहा है। और हीरो, अच्छा अमिताभ बच्चन बनोगे, अच्छा शाहरुख खान, तो हम तो नाम ही नहीं लेते थे कि हमें हीरो बनना है। अच्छा। हाँ, हमको बताया जाता था कि बलराज सहनी, संजीव कुमार, कमल हसन, ऐसे लोग एक्टर बनना है। अगर आपने कहीं धोखे से बोल दिया कि हम शाहरुख खान से बहुत इंस्पायर्ड है, तो फिर डायरेक्टर आपको उसी नज़र से देखेगा। तो हमारे तो दिमाग से वो हीरो वाला पन्ना ही मतलब हटा दिया गया था। तो मैं आया, जब मैं किसी के पास जाता था और बोलता था कि बोलते थे, अच्छा मैं बहुत उस वक्त क्यूट सा लगता था, क्लीन शेप, बोलते थे कि हीरो बनना है, मैं कहा नहीं मुझे विलन बनना है। तो एक बार ऐसे देखता था सम्मान की नज़र से, और मुझे ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ी विलन के लिए, क्योंकि चेहरा सपोर्ट नहीं करता था मेरा। ये दाढ़ी जो मैं आने के बाद मुंबई में रखा हूँ तो आज तक नहीं कटवा पाता हूँ। दाढ़ी कटेगी तो मूछ रहेगी, क्योंकि लोग कहते नहीं यार वो बहुत चिकने दिखने लगते हो, दाढ़ी रखो। तो मजबूरी है, कुछ बहुत सारे गेटअप लिए अपने आप को गंदा दिखाने के लिए, कभी बाल छोटे करवाए, कभी कुछ करवाए, कैरेक्टर बन के घूमना पड़ता था यहाँ हमें। कि हमें कोई डायरेक्टर आपको देख के सोचेगा नहीं कि अच्छा इसको अगर मूछ लगा दे तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं, इतना सोचने का टाइम किसी के पास नहीं, आपको दिखाना ही है। जैसा करेक्टर लिखा है वैसा दिखे अगर आप, तब तो कास्टिंग हो गई आपकी, नहीं तो नहीं यार अभी आपके लायक रोल नहीं है। अच्छा ओम जी, म्यूजिक इंडस्ट्री से हैं आप, म्यूजिक डायरेक्टर है, आप बताइए एक तो भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में कुछ बता दीजिएगा, प्लस अपना काम भी। यस यस, ऑफकोर्स ये लोग बहुत सीनियर हैं हमसे और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी बताई, मैं इतना तो नहीं बता पाता, बट हाँ फिल्में हमने भी भोजपुरी बचपन से देखी हैं। एक्चुअली मैं हूँ बेल्ट जो हमारा है वो मगध, मगही लोग हैं हम लोग, और शेखपुरा है मेरा घर, लेकिन वहाँ भोजपुरी फिल्में शुरू से लगती थी, और वो दूसरी या पहले दौर की थी आई डोंट नो, बट वो धरती मैया, गंगा किनारे मोरा गाँव, अरे मतलब पागलों की तरह लोग जाते थे देखने के लिए। हिंदी फिल्मों का वो क्रेज़ी नहीं होता था, जबकि हम अमिताभ बच्चन के फ़ैन हुआ करते थे, जितेंद्र, इन लोगों के फ़ैन होने के बावजूद ही हमारी मम्मी, घर के सब औरतें भोजपुरी फिल्म लगी धरती में ये तो चार हफ्ता उसको कोई बदल नहीं पा रहा, और हम लोग काफ़ी देखते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। और उसके स्पेशली गाने, क्योंकि बिहार के ही भाषा है वो, हम भी भोजपुरी के आसपास के थे, तो वो बहुत अच्छा लगता था, और वो मिठास कहीं ना कहीं भरती गई। और जब मेरे प्रोफेशन में ये चीज़ें मुझे करनी पड़ी तो ऑफकोर्स वो काम आ जाता है जो बचपन से देखी गई चीज़ें। म्यूज़िक पहले के भी बहुत अच्छे थे, आज के भी अच्छे हैं, बट कुछ एस्पेक्ट्स में चीज़ें कुछ कुछ बदली हैं, तो मुझे भी बोलते हैं कि आज गाने थोड़े से इन दिनों बल्गर हो गए, ये है। ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। हमें भी फिल्म जब स्क्रिप्ट पे बैठते हैं और काम करने के लिए तो बोलते हैं कि नहीं मुझे कॉमर्शियल गाना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कॉमर्शियल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मतलब गंदा वर्ड्स हो तो कमर्शियल नहीं। तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे मैक्सिमम फिल्मों में देखेंगे तो सबसे कम वल्गैरिटी अगर किसी की फिल्म है तो मेरे, मैंने कोशिश की है, अगर मैं अपनी पूरी ताकत झोंक तो देता हूँ कि नहीं ये पार्टिकुलर का भी सिंगर भी बहुत अच्छे दिनेश जी से सुनेंगे, ऊपर इनकी आवाज बहुत अच्छी सूट करती है। हाँ, तो दिनेश जी के साथ मैंने गाने भी गाए हैं बहुत, हर फिल्म बहुत सारे दिनेश जी के पिछले, मैंने दिनेश जी के ऊपर प्लेबैक सिंगिंग में इनकी आवाज सबसे ज्यादा अच्छी। दिनेश जी के साथ मेरी शुरुआत हुई थी निरहुआ चला ससुराल 2 से, जिसमें दिनेश जी के साथ मैं पहली बार किया था, अमृपाली जी थी, तो वो फर्स्ट टाइम उनके साथ गाना, तो ऑफकोर्स विलन हम बैठे हुए हैं दिग्गज में। हाँ, तो बहुत मज़ा आया था वो फिल्म करने सुशील जी के साथ, उस तो काफ़ी मेरे लिए एक बड़ी बात थी उस समय करना। और दिनेश जी ऑफकोर्स सुपरस्टार्स में से एक थे, तो जब घर पे आए और पहली दफ़ा मेरे गाने सुने तो वो बहुत इंस्पायर्ड हुए। तो एक गाना मैंने गाया था, तो जब एक गाना गाया तो शुरुआत वहीं से हो गई थी कि नहीं आप मेरे लिए सारे गाने गाइए, और मुझे उस वक्त के कुछ टॉप सिंगर्स से थोड़े से मेरे वो भी हो गए, मनमुटाव उनको ऐसा लगा, क्योंकि मैंने किसी और से भी डब किया था। तो बाद में
डायरेक्टर्स हीरो और जो भी जैसे भी उनके हिसाब से कुछ चीज़ें बदलती गई, तो बाद में लगा कि नहीं, तो बाद में सब बोलने लगे कि नहीं। फिर दिनेश जी ने प्रॉपरली आके मुझे बोला कि मुझे सब लोग फ़ोन करते हैं बोलते यार आपने कमाल गाया है, आपने कमाल गाया, ये सब चलता रहा बहुत दिनों तक, तो मैंने सबको बताता हूँ तो आप ही प्लीज़ मेरे लिए गाने गाइए। तो ये मेरा सौभाग्य है कि एक स्टार्स के साथ मुझे मेरी आवाज़ मैच हुई और वो चला। बट म्यूज़िकली तो सबके साथ मैं कर ही रहा हूँ, जैसे पवन जी की फिल्में हैं, खेसारी जी की फिल्में, ऑफकोर्स मेरे जितनी भी फिल्में, खेसारी जी के साथ अभी रिसेंटली आने वाली है भाग खेसारी भाग, और उससे पहले जिसमें ऑफकोर्स स्मृति जी, इसमें भी हीरोइन है, मेरी सेकेंडरी फिल्म है मतलब मेरी, और इससे पहले एक आई थी बलम जी लव यू, वो भी अच्छे उसके गाने की तारीफ हुई थी, और सबसे पहले मैंने खेसारी जी के साथ बंधन की थी जो मेरे लिए एक बहुत यादगार फिल्म, उसके गाने और ऑफकोर्स स्मृति जी का एक्टिंग और सब ने बहुत अच्छा काम किया था। तो गाने तब भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, कुछ आस्पेक्ट्स जो चीज़ें हैं अगर उसको छोड़ दें तो चीज़ें अभी भी अच्छी बन रही है, वो मीठी है भोजपुरी और अभी भी है वही। तो सबसे हिट गाना कौन सा है जो आपने गाया? अभी सबसे तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपको जो पसंद हो और वो लोगों को, मेरा गाया हुआ है क्योंकि मैं एक म्यूजिक कंपोजर हूँ, मेरे सारे गाने तो मेरे ही होते हैं, चाहे मैं गाऊँ, मेरा गाना मेरा गाना एक छोटा सा पार्ट होता है लेकिन बेसिकली फिल्म में होता है। तो हिट गाने में तो जैसे कि अभी सिपाही फिल्म का गाना चला था बहुत ज़्यादा जी, जो अभी भी ट्रेंडिंग में है, अमर पाली रे, हाँ, तो वो उसमें तो अच्छा वो था, मैं चार गुना सकता हूँ तुम लाली लाली होठवा से चुवता वे लाली, लाली लाली होठवा से चुवता वे लाली, अमर पाली रे मन करे कच देना खाली, अमर पाली रे मन करे कच देना खाली, गोरे गोरे गाल तोहर डांडी डांडी डांडी, अमर पाली रे मन करे कच देना खाली अमर। ये गाना इन दिनों ट्रेंडिंग में काफ़ी हुआ था। उससे पहले अगर मेरे गाने की बात है तो एक गाना निर्भर चला स्वाट टू का था कि किसिया दिल के बालू तेरा मारे गलिया पे फेरा, हमर काढ़ा था कर जा तुहर न न न न न न, कि जान मारा था बे नन के नथुनिया हो, कि जान मारा था बे नन के नथुनिया हो, दिल में मचा बे झुन झुनिया समान चुन मुनिया हो, दिल में उठा बे झुन झुनिया समान चुन मुनिया हो। तो ये सब गाने जो काफ़ी प्रचलन में रहते हैं। बढ़िया, कितनी फिल्में बनती हैं भोजपुरी यहाँ पर ईयर, क्या प्रोडक्शन है? दो जो थर्ड राउंड था, फर्स्ट राउंड में तो कुछ फिल्में बनी, कुछ 20 फिल्में बनी होंगी, इक्का दुक्का बन गई, हाँ। उसके बाद फिर जो है 75 में वापस शुरू हुई दंगल से, तो वो 93 में गंगा किनारे मोरा गाँव आई थी फिल्म, सॉरी 83 में गंगा किनारे मोरा गाँव आई थी, जो सबसे बड़ी हिट फिल्म है आज तक की, उससे बड़ी कोई हिट फिल्म हुई नहीं। तो 83 के बाद फिर 85, 86 तक आते आते फिर वो दौर भी जाता रहा। फिर जो थर्ड राउंड शुरू हुआ वो 2000, जो जिसके नायक कैरेक्टर आर्टिस्ट ये रहे, ये फिर आए, ये जो दौर हुआ, और उसमें ससुरा बड़ा पैसे वाला जो है, जिसने क्रांति कर दी कहते हैं, अच्छा है ना, नए दौर की मनोज तिवारी जी की पहली फिल्म थी, और उस फिल्म को हर जगह चर्चित था इस मामले में, 50 हफ्ते तक चली है फिल्म कि वो 50 हफ्ते तक, लगभग एक साल तक और ज्यादा। आज उसके जो डायरेक्टर थे अजय सिन्हा, तो अजय सिन्हा बेसिकली एक्टर थे, वो यहाँ एक्टर बने, एक बहुरिया करके फिल्म आई थी, ये बात मैं कर रहा हूँ 86-87 की, बहुरिया फिल्म में वो हीरो थे, पहली बार वो आए थे वहाँ। बाद में कुछ और फिल्म उन्होंने बनाई, ये दूसरी या तीसरी फिल्म थी उनकी अजय सिन्हा जी की एज ए डायरेक्टर, ससुरा बड़ा पैसे वाला। और उन्होंने कहा कि धनंजय, इसके बाद ये हुआ कि मुझे लता मंगेशकर जी ने मुझे अप्रिसिएट किया, मुझे राजश्री वालों ने अप्रिसिएट किया कि बेटा बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है आपने। तो ये जो थर्ड राउंड जो शुरू हुआ उसमें बूम आया, और जैसा कि वो बता रहे थे अभी आपके मुझे डॉक्टर साहब, कि उस समय गाने जो थे और आज के गाने जो हुए, उसमें बेसिकली एक बड़ी मेजर जो अंतर आया भोजपुरी सिनेमा में दो दौर पहले और ये तीसरे दौर में, कि पहले के जो टारगेट ऑडियंस था भोजपुरी सिनेमा का वो फैमिली था, फैमिली, हाँ, फैमिली को टारगेट करते थे भोजपुरी फिल्म बनाने वाले। लेकिन ये जो राउंड आया 2000 के बाद वाला, जो 90 के बाद जो कहिए ग्लोबलाइजेशन के बाद का जो दौर आया, जब पलायन हुआ
और लोग जो है ज़्यादा संख्या में, पहले बिहार के लोग कलकत्ता जाते थे जी, और बहुत कम संख्या में बम्बई आते थे। जब मैं बम्बई आया था 90 में तो इक्के दुक्के लोग मिलते थे जो बिहार के होते थे, आज तो बिहार के लोग भरे हुए हैं यहाँ पे। तो टारगेट ऑडियंस उसके बाद जो हुआ 2000 के बाद जो टारगेट ऑडियंस हुआ वो हो गया मेल, हो गया जो बम्बई आया है, जो पंजाब गया है, जो दिल्ली गया है कमाने के लिए, वो टारगेट ऑडियंस हो गया भोजपुरी सिनेमा का। तो जो एक फैमिली टच था भोजपुरी सिनेमा में, जो महिलाओं का टच था, जिसमें उसकी भाषा, उसकी कहानी, उस पहले दौर की जो फिल्में देखिएगा उसमें महिलाओं की कहानी होती थी, सेकंड दौर में भी महिलाएं हावी रहीं, गाने उस तरह के रहे, फोक लिए गए, गाने में एक शब्द वल्गर नहीं डाला जाता था। मुझे याद है एक फिल्म आई थी पिया के प्यारी, जिसमें पहली बार थोड़ा सा लाउड गाना इस्तेमाल हुआ था, उसमें जो है पिक्चराइजेशन भी बहुत लाउड था, हुमा खान ने एक दो उसमें आइटम सॉन्ग किए थे। तो कब की बात है ये बात कर रहा हूँ मैं 90 से पहले की, मतलब ये 84, 85, 86 ऐसे की फिल्म, इस दौरान की फिल्म थी। पिया के गांव तो बड़ी चर्चित फिल्म थी, पिया के गांव उन्हीं उसी प्रोड्यूसर की फिल्म थी पिया के गांव, प्रेम सिंह जी हाँ डायरेक्टर थे, मुक्ति नारायण पाठक उसके प्रोड्यूसर हुआ करते थे, आपके जयतिलक जी उसमें हीरो थे। तो पिया के गांव के गाने जो है वो पिया के गांव भी चित्रूप जी का म्यूजिक था, पिया के गांव के है ना, पिया के गांव के और बड़े कमाल गाने थे, मीरा माधुरी उसमें हीरोइन थी, कुणाल जी तो सोहर वगैरह जो सारे हाँ, वो तो आज तक उससे बढ़िया कोई गाना बना ना है ना, वो गाएंगे मैं तो गाना नहीं जानते इसलिए बता नहीं सकता अभी चलेंगे हाँ। तो उस दौरान तो चित्रूप जी का सिनेमा पे उनकी जो मजबूत पकड़ थी, चूँकि अच्छी फिल्म बनानी है तो चित्रूप जी को म्यूजिक डायरेक्टर लेते थे। मैं 90 में बॉम्बे आया तो 90 में ही शायद या 90 नवंबर में बॉम्बे आया था, तो चूँकि मुझे भोजपुरी सिनेमा से बड़ा लगाव था, वहाँ पटना में मैंने भोजपुरी सिनेमा पे बहुत काम किया हुआ था, ढेर सारे आर्टिकल्स लिखे थे अखबारों में, तो यहाँ भी मैंने सोचा कि जनसत्ता में मैं यहाँ आकर काम कर रहा था, तो जनसत्ता के लिए मुझे कहा गया कि एक पूरा पेज लिख भोजपुरी सिनेमा पे। तो मैंने एक पूरा पेज लिखा, उसमें ढेर सारे लोगों से बात की, आर्टिकल तो था ही मेन कि भोजपुरी सिनेमा कहाँ से कहाँ आया, कैसे आया, एक आलोचनात्मक जो एक दृष्टि थी मेरी पत्रकारी है वो। उसके अलावा मैंने चित्रूप जी से बात की, सुजीत कुमार जी से बात की, कुणाल जी से बात की, पद्म खन्ना से बात की, जो शीला डेविड से बात की, ऐसे जो मेन उस समय जो आर्टिस्ट हुआ करते थे उनसे मैंने बात की। तो चित्रूप जी और लक्ष्मण शाहवादी दूसरे व्यक्ति आए जी, जो पहले गीत लिखते थे चित्रूप जी के साथ, तो 1991 में चित्रूप जी की डेथ हो गई, दुल्हंगा पार के वो प्रोड्यूसर भी थे उस फिल्म के। तो लक्ष्मण शाहवादी बड़े अच्छे गीतकार थे, धरती मैया के गाने उन्होंने लिखे थे, धरती मैया भोजपुरी सिनेमा में धरती मैया फिर एक माइल स्टोन बनी। अब मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे अगर बोलूँ तो कंटेंट वाइज फिल्म जो है बहुत चौपट फिल्म थी, लेकिन गाने के हिसाब से बड़ी कमाल फिल्म थी। जल्दी जल्दी चल रे कहारा सूरज डूबे रे नदिया, मतलब फोक सॉन्ग की तरफ बजता था, इसलिए था कि भजन जिसे आप सुनते हैं रोज सुबह सुबह उठ करके उस तरह के था, तो उसके सारे गाने बड़े अच्छे थे। तो उस दौरान जो फिल्में बनी, देखिए स्क्रिप्ट वाइज हमेशा भोजपुरी फिल्में कमज़ोर रहीं जी, क्या वजह है इसकी? हाँ, इसकी एक बड़ी वजह रही कि जो प्रोफेशनलिज्म खोजता है सिनेमा वो नहीं रहा कभी भोजपुरी सिनेमा के साथ। अच्छा। भोजपुरी सिनेमा शुरू हुआ प्रेम से, जिसे होता है दुलारा बच्चा, एक प्यारा सा बच्चा है, उसको नज़ीर साहब ने पपोला, और नज़ीर साहब की फिल्में देखिए जो 5-6 फिल्में बनाई उन्होंने, बलम परदेसिया सेकंड राउंड की फिल्म है जो राकेश पांडे उसमें पहली बार आए थे हीरो के तौर पे, और वो मतलब बलम परदेसिया जान लीजिए कि वो टीनेज लव स्टोरी है, वो टीनेज लव स्टोरी पहली बार भोजपुरी सिनेमा में बलम परदेसिया है, और कमाल गाने उसके, म्यूजिक इतने सालों गोरखी पता, ये 1975-76 की फिल्म है, दंगल के साथ साथ वो फिल्म आई थी, दंगल के आसपास की फिल्म है, गुरकी पतर की रे, और उसके बाद आरा हिले छपरा हिले बलिया हिले ला, जिसको कितने तरह से गाया गया हिंदी फिल्मों में भी उसको गाया वो जो, यानी वो इतना पुराना है, अब उसका अलग अलग रूप हमें सुनाई देता है, भयंकर वो सुना है मैंने, मतलब कमाल वो बजा, आपने अलग रूप ही सुने हाँ। तो इस तरह से जो बच्चा था वो बच्चा बड़ा नहीं हो पाया, अच्छा, चूंकि उसको जो प्रोफेशनल लोगों की जरूरत थी कि वो स्कूल जाता तो टीचर मिलते, फिर बाहर सड़क पे और अच्छे लोग मिलते, उनकी संगति अच्छी होती, वो नहीं हो पाई, भोजपुरी होता कहीं मार खाता, हाँ हाँ तो भोजपुरी सिनेमा की संगति जो है ना वो अच्छे लोगों के साथ फिर आगे नहीं बढ़ पाई, इवॉल्व नहीं हो पाया, नहीं इवॉल्व हो पाया, और जो लोग रहे जुड़े वो ज़्यादातर वो इसलिए आए कि कम बजट में फिल्म बनती है,
तो कुणाल, अभी इसे समझिए इस बात को, आज तो कम से कम भोजपुरी सिनेमा में जो उन्होंने कहा आपके बात करने से पहले कि 200-250 लोग हैं, उस जमाने में भोजपुरी सिनेमा में बहुत कम लोग होते थे जो भोजपुरी भाषी होते थे। तब विलेन पता चला पंजाब का है, डायरेक्टर जो है बंगाल का है, प्रोड्यूसर जो है वो गुजरात से आया है, इस तरह का होता था। आज तो कम से कम भोजपुरी उस क्षेत्र के हैं लोग, उस समय बहुत कम लोग थे, ज़्यादातर लोग बाहरी लोग थे। तो वो जो है कम पैसे में फिल्म बनती है और फिल्म बना लेते हैं, वो एक अप्रोच था और फिल्में चल जाती थी। तो अभी 200-250 लोग फंक्शनिंग है इस पूरी इंडस्ट्री में। जो सेकंड जो तो थर्ड राउंड आया, इसमें एक बाजार, पहले बाजार नहीं था भोजपुरी सिनेमा का, आज जो है भोजपुरी सिनेमा का एक बाजार बन गया। कि भोजपुरी जिसे आज समझिए बम्बई शहर में, बम्बई भोजपुरी बेल्ट नहीं है, लेकिन बम्बई शहर में 20 सिनेमा हॉल है जिसमें केवल भोजपुरी फिल्में लगती हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ कोई वो उसमें हिंदी फिल्म नहीं लगती है, वो लगाने को तैयार नहीं होते हिंदी फिल्म, कि नहीं यार मेरा दर्शक खराब हो जाएगा, चाहे कितनी बड़ी फिल्म, कितनी भी बड़ी फिल्म वो लगाते नहीं हो, वो हिंदी भोजपुरी ही लगाते हैं। वो ऐसे 20 सिनेमा हॉल है बॉम्बे शहर में, तो ये बाजार बना। और आप जानिए कि बिहार में, बिहार के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, सिनेमा हॉल की स्थिति बड़ी ख़राब हो गई थी बीच में, चूँकि हिंदी सिनेमा जो है वो ट्रैवल कर गया हिंदुस्तान से ओवरसीज, तो जो भारतीय टच वाली फिल्में थी वो कम बनने लगे। अच्छा। और वो फिल्मों में टच आ गया कि इंग्लिश के डायलॉग्स ऐड हो गए, इंग्लिश हो गया, कैरेक्टर बाहरी होने लगे। तो जो बिहार के, जो बिहार में ज़्यादातर लोग कौन हैं, जो छूट गए लोग हैं बीयूपी बिहार में, चूँकि वहाँ पे पलायन बहुत भयंकर तरीके से हुआ, तो वो लोग हैं ज़्यादातर जो छूट गए वहाँ, जो समाज के साथ आगे नहीं बढ़ पाए। तो उनके तो सिनेमा हॉल जो वहाँ पे थे उनमें हिंदी फिल्में नहीं चल रही थी, बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में फ्लॉप हो गई बिहार जाकर के, जो बाहर चल रही थी लेकिन वहाँ नहीं चल रही थी, तो सिनेमा हॉल बंद होने के कगार पे आ गए। वैसी स्थिति में जब भोजपुरी फिल्मों ने, सस्ता बड़ा पैसे वाला ने कमाल ये कर दिया कि लोग जबरदस्त पैसा कमाए एग्जीबिटर्स ने, सिनेमा हॉल वालों ने। अच्छा। और लगा कि जैसे फिर से दिवाली आ गई है, और नतीजा हुआ कि एक शहर में अगर 5 सिनेमा हॉल है तो 4 सिनेमा हॉल में भोजपुरी फिल्म चल रही है। हम पहले जब पटना में थे जर्नलिज्म में, तो हिंदी फिल्में 2 सिनेमा हॉल में चलती थी एक साथ, भोजपुरी फिल्में 3-3 सिनेमा हॉल में चलने लगी एक साथ। और भोजपुरी फिल्मों में मार होने लगी कि डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर में, कि एग्जीबिटर ज़्यादा पैसा देकर के, नहीं नहीं मुझे सिनेमा हॉल में दे दीजिए, मुझे दे दो पिक्चर ही, क्योंकि वहीं दर्शक आते हैं, बाकी हिंदी को देखने आता नहीं। क्या क्या गणित क्या है भोजपुरी सिनेमा का आज की करंट डेट में? जैसे हमें हिंदी फिल्मों का तो पता है कि भाई कोई फिल्म 200 करोड़ कमाती है, 500 कमाती है, हमें उनका बजट पता होता है क्योंकि वो मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कस होता है। भोजपुरी सिनेमा में के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया इतनी कवरेज नहीं देता है कि हमें इतनी डिटेल्स पता हो कि किस फिल्म का क्या बजट रहा। एवरेज बजट क्या होता है भोजपुरी फिल्मों का, और कौन सी फिल्म किस आंकड़े को पार करने के बाद हिट समझी जाती है? देखिए, हिट तो बड़ा कठिन शब्द है, कठिन शब्द है। हाँ, बजट जो है वो आमतौर पे बजट फिल्मों का 1-1.5 करोड़ के बीच है, हालांकि इनकी कुछ फिल्में आई है जो 2-2.5 करोड़ की बजट की फिल्म आई है। डिपेंड कर रहा है, कई फिल्में आई गई, जैसे बात हो रही है बिजनेस की, तो 2001 में जो फिल्म आई थी सैया हमार रवि जी की, मेरे ख्याल से ऐसा किसी फिल्म का रिकॉर्ड नहीं है पूरे दुनिया में कि पायल सिनेमा भिवंडी में वो फिल्म लगी थी और 28 के 28 शो हाउसफुल थे उसके। मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड है, 28 के 28 शो मतलब 7 दिन के चारों शो हाउसफुल। तो बाजार वहां से अच्छा, ये आप एडवांस बुकिंग बता रहे हैं कि अगले 7 दिनों के 28 शो हाउसफुल? नहीं नहीं, जब लगी एडवांस बुकिंग नहीं थी। अच्छा। लेकिन जब लगी तो उसमें मनोज जी उस समय नए नए मतलब हिट हुए थे, लोकगीत गाए थे, और उनका एक गाना था कनवा में सोहे वाली जुड़ा, ये गाना बहुत बड़ा हिट था सैया हमारे फिल्म में था। तो शुरुआत फिर वहीं से हो गई कि भाई अब बड़ा बाजार है। और बीच में कुछ फिल्में जो हमारे सिनेमा हॉल थे जिसमें मिथुन दादा की फिल्में चलती थी, तो मिथुन दादा उस समय वो फिल्में कर रहे थे जब वो ऊटी चले गए थे, तो एक पैकेज में एक दबे कुचले वर्ग के लिए जो एक क्या कह सकते हैं कम्युनिस्ट टाइप एक कितनी फिल्में की उन्होंने, तो जो हिंदी फिल्म से अलग हो गई थी वो फिल्में वहाँ चलने लगी क्योंकि मिथुन दादा की फिल्में चल रही हैं अब, जस्टिस चौधरी, तो बंगाल टाइगर, काफ़ी फिल्में। तो जब वो जमाना जब धीरे धीरे खत्म हुआ मिथुन दादा का, तो फिर भोजपुरी सिनेमा ने अपना जल्लाद लोहा टाइप, हाँ हाँ, मल्टीप्लेक्स शुरू हो गए थे। और वो कौन सी है कल्ट बोली जाती है, गुंडा, बहुत सी फिल्म, बहुत सी फिल्म, बहुत सी फिल्में। दादा जब ऊटी चले गए तो उसके बाद तो पर हबी था वो सीधे बोलते थे कि खाली आप, हाँ, डायरेक्टर और कैमरामैन ले आओ, बस यही हो जाएगा, बाकी सब मिल जाएगा आपको जी। तो वैसे उसी के लगभग वैसी ही फिल्में शुरू में बननी शुरू हुई थी मिथुन दादा जैसी। अच्छा। 20 साल पुराना हिंदी सिनेमा से
आज भी है हमारा। और रह गई बात कि फिर मराठी सिनेमा आगे बढ़ गया, मराठी सिनेमा में हम देखते थे दादा गुंडे के अलावा हम किसी को नहीं जानते थे, और उस समय भी डबल मीनिंग फिल्में ही चलती थी उनकी, मराठी सिनेमा मैं कमर्शियल की बात कर रहा था। नहीं, बहुत तो कितने लोग बहुत है मराठी में तो बहुत हिंदी तक पॉपुलर नाम पहुंचा वो दादा कुंडली। हम वी शांताराम को जानते थे, क्योंकि हम सिनेमा में शांताराम को जानते थे, दो आके बारह हाथ के थ्रू जानते थे। हां बिल्कुल। अब जैसे मैं मराठी के थ्रू पिंजड़ा उनकी इतनी जबरदस्त फिल्म है जी, हां श्रीराम लागू थे उसमें, वो बहुत जबरदस्त फिल्म है, बट वो भी हिंदी में बनी थी नहीं, चूंकि मराठी थिएटर सशक्त था, मराठी थिएटर सशक्त था। थिएटर के अलावा क्या हुआ कि मराठी के साथ एक बहुत प्लस पॉइंट रहा कि जो सिनेमा हिंदुस्तान में आया ना वो मराठी व्यक्ति लेके आया। हाँ, जी बिल्कुल। और ये शहर और मुंबई जो है शहर जो था यही दिखाया कि पहली बार फिल्म दिखाई भी गई थी, देसी रानी लेके आए थे जो दिखाया था, तो उनके दिमाग में जो सपना जागा था दादा साहब फाल्के के दिमाग में, तो उनको लगा था कि नहीं कुछ करना चाहिए, और वो बाहर गए फिर कैसे कैसे क्या किया, फिर पहली बार यहाँ कैमरा बनाया गया है, कैमरा भी यहीं इंडियन कैमरा पहली बार इस्तेमाल किया गया और जो है उन्होंने किया, तो मराठी सिनेमा जो है हिंदी सिनेमा को जन्म देने वाले भी मराठी सिनेमा के लोग, बाद में जुड़ते हैं बंगाली बंगला सिनेमा के लोग और पंजाबी बाद ही फिर पंजाब आए, तो मराठी सिनेमा का पहले असर ज़्यादा था हिंदी सिनेमा पर, फिर वो बंगला असर आया, और बंगला असर आने के बाद फिर वो तिरोहित हुआ और आया पंजाबी असर आया, और अभी जो असर है वो कि जिसको कहते हैं इंग्लिश का असर है, यूनिवर्सल असर, मतलब वर्ल्ड वाइज असर आ गया अभी सिनेमा पे। तो बेसिकली हिंदी सिनेमा जब आगे चला गया तो जो नीचे की जो खाली जगह थी, जैसे अभी कहा इन्होंने कि मिथुन दा की फिल्में जो है उसमें चलने लगी, तो कॉर्पोरेटाइजेशन का दौर शुरू हो गया था उस वक्त, तो जो छोटे प्रोड्यूसर थे जिनके पास औकात नहीं रही बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हीरो को लेकर के या बड़े डायरेक्टर को लेकर के फिल्म बनाने की, उन्होंने मिथुन दा को पकड़ लिया कि चलो यार डेढ़ महीना में तो पिक्चर बन जाती है, फिक्स बजट है कि भैया चलो 2 करोड़ रुपये लगेगा फिल्म बन जाएगी, 2.5 करोड़ में बिक जाएगी, तो 50 लाख रुपया तो अपना आ गया। आपने टाइम फ्रेम की बात की, भोजपुरी फिल्म कितने दिनों में पूरी कंप्लीट होके सिनेमा घर में आ जाती, क्या शेड्यूल होता है कि वो इसमें हीरो कौन है, अच्छा हीरो के ऊपर निर्भर करती है चीज़ें, 3 से 4 महीने, और शूटिंग 35 दिन 40 दिन अगर दिनेश जी हैं खेसारी जी हैं पवन जी हैं इनकी फिल्में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं, और हीरो हैं तो थोड़ा कम समय लगती है, 3-4 महीने तो जाता ही है, प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन सब इंक्लूड है, सब इंक्लूड है, मतलब पहला शब्द कहानी का लिखने से लेकर सिनेमा, अगर कुछ रुकावट ना हुई अगर फाइनेंस वाइज या कुछ वाइज तो शुरू से लेके और रिलीज तक 4 महीने, 4 महीने में बन जाती है एक भोजपुरी फिल्म। प्रोड्यूसर्स का क्या हाल है, कितने अभी फंक्शनिंग प्रोड्यूसर प्रोडक्शन हाउसेस है, कितने लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, कम हुए ज़्यादा हुए? नहीं है, जैसे म्यूज़िक कंपनियां हैं जो आजकल चैनल्स फिल्म बनवा रहे हैं, लगभग कल मैं काउंट कर रहा था कि भोजपुरी फिल्म दिखाने वाले 8 चैनल आ चुके हैं, बीफोर यू, ऑस्कर, भोजपुरी सिनेमा, दबंग और दंगल, एंटरटेन, बिग गंगा, महुआ, मतलब मैंने काउंट किया कि कितने चैनलों पे सिर्फ भोजपुरी चल रही है, तो इन चैनलों को मसाला तो फिल्में तो चाहिए ना, फिल्में चाहिए। अब थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ है कि अब फिल्में सिनेमा हॉल की बजाय चैनल्स के लिए बन रही हैं, और चैनल्स खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्में, कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टर्स को, और कि भाई हमारा ये बजट है, इस बजट में फिल्म बना के दो, सिनेमा हॉल में क्या चलती नहीं चलती उस समय मतलब नहीं है, हमको ये फिल्म चैनल में चलानी, क्योंकि वो फिल्में खरीद भी रहे हैं। इस वक्त चैनल्स का बहुत गजब दौर आ गया है कि मतलब लोगों के पास जो फिल्में लोगों ने सोची थी कि अरे ये तो कभी हॉल में नहीं लगी, जो फिल्में हॉल में नहीं लगी हैं उनका भी प्रीमियर आजकल चैनल में हो रहा है। अच्छा, रिलीज नहीं हो रही है पर अब चैनल में रिलीज हो रही है फिल्म। मैं मतलब ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो हॉल का मुंह नहीं देख पाई हैं, लेकिन वो अचानक जाग गए प्रोड्यूसर, कह रहे यार वो पिक्चर भेज दो चैनल वाले खरीद रहे हैं, तो चैनल का ऐसा माहौल गर्म हो गया अचानक भोजपुरी में, और अब चैनल को या चैनल का बजट देख के कि कितने में फिल्म बिकेगी, पहले फिल्में बनती थी तो ये देखा जाता था कि बिहार कितने में जाएगा, यूपी कितने में जाएगा, यूपी दिल्ली और मुंबई गुजरात कितने में जाएगा, अब देखा जाता है कि चैनल में इसका सैटेलाइट कितने में जाएगा, कितने में जाएगा, और सैटेलाइट बहुत अच्छे में जा रहा है, 1-1 करोड़ तक पहुंच गया है सैटेलाइट, तो नए दौर का नया गणित हो गया है, नए दौर का नया गणित हो गया है भोजपुरी के लिए, और मुझे इस वक्त लगता है कि ये ऐसा दौर है कि इस वक्त भोजपुरी के छोटे से लेके बड़े तक सारे टेक्नीशियंस सारे एक्टर्स बिजी हैं,
सब बिजी सब बिजी है सर। टाइम हाईएस्ट ग्रोसर कौन सी है भोजपुरी की आज तक की, कुछ आइडिया? तो उस समय सबसे बड़ी ससुरा बड़ा पैसा वाला थी, उसके बाद पंडित जी बताए ना ब्याह कब हुई, उसके बाद थी निरहुआ रिक्शा वाला, तीन फिल्म। ये तीसरे दौर की तीन, ये बोला जाता है कि ये बड़ी ग्रॉस वाली फिल्म है, उसके बाद कई फिल्में आई। फिर उसमें एक और बात नोट कीजिए कि जो ससुरा बड़ा पैसे वाला बनी उस समय ये 30 लाख में बनी। अच्छा, 30 लाख बजट था तो उसने पिक्चर ने कमाया, समझिए खाली बिहार से उसने कमाया था 2 करोड़ कलेक्शन उसका बिहार से, लगभग 7 गुना हुआ बिहार बिहार से खाली कलेक्शन था, यूपी का तो छोड़ दीजिए। ओके, तो उसने कमाई जब 5-6 करोड़ रुपए। हाँ, और फिर दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में वो तो अलग, और अभी तक वो बेच ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, मतलब सेटेलाइट फलाना ढिकाना करते रहते हैं। ठीक है, अब तो वो नेटफ्लिक्स वगैरह टाइप चीजें, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर थे ससुरा बड़ा पैसे वाला के, वही हमारी जब हमने पहली बार फिल्म की तो वो उसके प्रोड्यूसर थे। अच्छा, इतना पैसा पीट लिया कि खुद ही फिल्म बनाए? नहीं, वो पैसा वाले तो पहले से थे, वो बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे हिंदी सिनेमा के, वो जी भोजपुरी रिलीज करने वो नहीं आए थे क्योंकि वो परिचित थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने फिल्म बनाई है। ठीक है, ससुरा बड़ा पैसे वाला बनते समय और ससुरा बड़ा पैसे वाला रिलीज के बाद अलग अलग कहानी है। मतलब एकदम अंधेरी रात और सूरज वाली कहानी है। अच्छा, असल में मनोज जी उस समय इस्टैब्लिश हुए थे हमारे घरों में, हमारी बुआ चाची बहनें सब उनके भजन और उनके गाने सुने, तो मनोज जी जब आई पहली फिल्म तो एक तो ये क्रेज था कि ये मनोज तिवारी है एज ए हीरो, तो वो और उसके बाद फिर एक ट्रेंड भी चल पड़ा कि सिंगर ही हीरो होगा, हालांकि रवि जी इसके पहले काम कर रहे थे लेकिन मनोज जी आने ने उन्होंने ठप्पा लगा दिया। अच्छा, तो मनोज जी आए, फिर दिनेश जी आए, पवन जी आए, खेसारी, मतलब लगभग सारे सिंगर्स ज्यादा रहे इसमें, 10 अगर फिल्में हैं तो 7 उसमें। क्या होता है कि ऑलरेडी सिंगर्स का एक ऑडियंस बनी रहती है तो वो फिल्मों को उससे फायदा हो जाता है। अच्छा, तो वही जब हीरो बनता है तो हाँ, जबकि हिंदी में ये प्रयोग अक्सर फेल ही हुआ है लेकिन ये रीजनल में हमेशा चला है, और भी कोई आया तो इवन पंजाबी मूवीज में भी मोर और लेस यही गणित है। हुई थी कुंदनलाल सहगल, मतलब शुरू तो वही से हुआ था कि जो गा सकता है वही हीरो बनेगा, वो तो शुरुआत ही में हिंदी सिनेमा में रहा है एक दौर ऐसा, लेकिन यहाँ पे जब चीजें आई तो फिर एक ट्रेंड चल पड़ा कि नहीं ये गा रहे हैं, इनकी पब्लिक है, इनकी ऑडियंस है, तो उनकी फिल्म देखने जाएगी, तो एक प्लस हो गया कि यार ये सिंगर भी हैं और गाते भी हैं और अभी ये सिनेमा कर रहे हैं, तो एक अपने यहाँ का होता है कि हमारा हीरो है, तो अभी भी वो वही प्लस था, वही माइनस भी है। हाँ, इस इंडस्ट्री के लिए भोजपुरी के लिए जो प्लस है वही माइनस भी है, क्योंकि फिर सिंगर एज एन एक्टर अपने ऊपर मेहनत नहीं करता है। अच्छा, क्योंकि उसे लगता है कि हमारी ऑडियंस बनी हुई है, तो भैया जो उन गनवा सुना ना लोग फिल्मियों देखे हुए हैं हमारे, तो फिर वो रेशियो गिरता गया, एक्टिंग का जो हम बात करें तो वो स्तर गिरता गया, और सिंगर के रूप में ही था, वो कॉन्फिडेंस था उनको कि हम एज सिंगर फेमस है, हमारी ऑडियंस हमारा वो सारा कुछ है, उसने थोड़ा सा अभिनय के स्तर को गिराया कई जगहों पर, ऐसा लगा कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं, अश्लीलता का जो टैग लगा है पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री पर ही, कोई भी भोजपुरी फिल्मों का नाम लेता है या भोजपुरी म्यूजिक की बात चलती निकलती है तो ये बात आता है कि यार बड़े अश्लील गाने होते हैं, एक पोस्टर्स अश्लील होते हैं, इस दिशा में क्या कुछ काम हो रहा है या क्या ये सायास है या बस ये चलता है तो बिकता है वाली बात है? सर देखिए, क्या है कि शुरुआत में मेकर्स एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई एक चीज़ देते हैं, अगर वो चल गई, हमारे यहाँ रिस्क बहुत कम लोग लेते हैं, वो भेड़ चाल वाली बात होती है कि एक बना तो सब वैसे ही बनाने लगे, और जहाँ तक मेरा धनंजय भैया का ज़्यादा नॉलेज इस बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार यूपी में जो म्यूज़िक जो आता है वो हम एल्बम से लेते हैं, पहले गाने बनते हैं एल्बम, ओम जी बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं पर इनको पता होगा कि म्यूज़िक में हम कहाँ कितनी कमियाँ करते हैं, वहाँ के जो हिट एल्बम है जो बिहार में तहलका मचा रहे हैं, क्योंकि हीरो भी एल्बम से ही आते हैं, वहाँ के जो हिट एल्बम है वो सुनते हैं यहाँ के लोग, तो उनको लगता है यार कौन इतना, क्योंकि प्रमोशन हमारे यहाँ नहीं होता म्यूज़िक का जी, हमारे यहाँ हिंदी फिल्मों जैसे ऐसा कोई टेलीविज़न वो माध्यम नहीं है कि आप एक महीने तक गाने सुना रहे हैं लोगों को, यहाँ तो भैया गाना हॉल में लगेगा तभी देखोगे आप, ये बात प्रमोशन के लिए कोई प्लेटफॉर्म भोजपुरी में आज भी नहीं है, आज भी नहीं है, जबकि हमारे चैनल से अब नहीं, पर कोई म्यूजिक चैनल नहीं है जो भोजपुरी म्यूजिक, ऐसा नहीं, अब शायद लोग देख रहे हैं, सीरीज जब तक था, जब तक ईटीसी पे आता था तो वो आपको फ्री में देना पड़ता था।
क्योंकि आपको अपनी फिल्म का प्रमोशन भी करना है, तो आप चलाते रहिए, उस पे चलता था ईटीसी है, एक दो चैनल और थे। ईटीसी जो है वो लोकप्रिय चैनल नहीं था, उसका क्या था कि टी सीरीज ने क्या किया हुआ था कि चैनल को हैक किया हुआ था, टाइम स्लॉट लिया हुआ था, तो उसके पास खाली टाइम है, तो भोजपुरी वाले को लालच भी आता था, मेरा आ रहा है बैठ के देख रहे हैं, 7 बजे शाम में आएगा है तो 7 बजे शाम में बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ का दर्शक नहीं था, वो भोजपुरी वालों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी टी सीरीज ने कर रखा था वो। अच्छा, कि भाई देखिए आपका हमने 2.5 लाख का पब्लिसिटी दे दिया है, गाने का इतना इतना इसलिए दे रहे हैं, कुछ पब्लिसिटी जरूरी है ना आपके लिए, तो भी सोचता था हाँ सही बात है, पब्लिसिटी होनी चाहिए। तो वो मतलब संजय जी ने करेक्ट बताया कि जैसे क्या होता है कि हम म्यूज़िक बनाते हैं, हमको इतना मिलता नहीं कि एक महीना मैंने ही एक गाना कंपोज किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन वो कैसे सुनेंगे फर्स्ट टाइम, वो एक महीना अगर चैनल्स पे चलता रहता पहले से, कच्चे आने वाली फिल्म का गाना बहुत अच्छा लग रहा है या बेकार लग रहा है, जो लग रहा है एटलीस्ट कम से कम सुनने तो, वो होता नहीं। थिएटर में पहली बार सुनते हैं, रेडीमेड माल लेने लगे, पहली बार सुनते हैं, अब बहुत अच्छे भी गाने जब बजते हैं ना थिएटर्स में, तो ऐसा नहीं पब्लिक आ रही वाह, उनको अच्छा तो लगता रहता है, लगता है कुछ ठीक है, जब तक वाह निकले तब तक गाना खत्म, ग्रेजुअली ग्रो होता है, तब तक गाना खत्म हो जाता है। तो वो वहां से लिया, चीज को ठीक करने के लिए पब्लिक की सिटी, ऑफकोर्स आर्टिस्ट है सब लोग, तो हम तो चाहेंगे कि हमारे गाने पर सिटी ताली, और एक बार मेरा गाना बजे तो मैं भी खुश जाता, क्या बात है सब लोग। तो उसको करने के लिए कुछ सुनी सुनाई चीज़ों को जो बीच में यूज़ किया गया, सबने बोला कि नहीं कुछ ऐसी चीज़ें बनाई नहीं जो पब्लिक के माइंड में पहले से है, तो वो बजेगा। मैं ऐड करना चाहूँगी, ये कमी भी शायद इसलिए आई क्योंकि थिएटर्स की हालत ठीक नहीं है। थिएटर्स में ना आपको आवाज़ ही नहीं आती अच्छे से, तो इसीलिए जो सुनी सुनाई गानों का ट्रेंड इसीलिए चला, क्योंकि जो गाना जब तक थिएटर में बज रहा है तो ऑडियंस को अच्छे से सुनाई नहीं दे रही, जो बीट्स हैं वो सुनाई नहीं दे रहे, तो इसीलिए सुनी सुनाई गानों का ट्रेंड चला। एग्जैक्टली, तो आपने अगर पहले से सुना हुआ है गाना और आप अभी थिएटर में सुन रहे हैं तो आप रिलेट कर लेते हैं कि अरे ये तो यही गाना है क्योंकि हमने इसको कहीं और सुना हुआ है। Yes, तो थिएटर्स की जब तक हालत अच्छी नहीं होगी तब तक वो गाना कहाँ से सुनेंगे अच्छे, और अच्छे गाने जो भी आप कितनी भी मेहनत से कंपोज करो वहाँ जाके वो गिर जाते हैं। बार मुझे नहीं, हम लोग को नहीं मिल पाता वो कि अरे वाह क्या गाना है, जब तक समझते रहते हैं वो बाद में लोगों को लगता है, तब तक फिल्में, तब तक हमारी फिल्म काम करता है, फिल्में चली नहीं, हमारी टारगेट ऑडियंस भी बदली है, ये बात भी सही धनंजय जी ने जो बोली, उसकी एक और वजह है जी। देखिए क्या हुआ कि भोजपुरी गानों में जब तक चित्ररूप जी थे या जब तक लक्ष्मण शाहवादी जी थे तब तक वही गाने फोक सॉन्ग के तौर पे बजते थे हमारे बिहार यूपी में, तब प्राइवेट एल्बम का दौर नहीं था, तब फिल्मों के गीत ही जो है ना भोजपुरी फिल्मों के गाने ही बजते थे, शादी में बजे या किसी फंक्शन में बजे या कहीं बजे, ऐसे भी दुर्गा पूजा हो रही है तो वही भोजपुरी गाने बजते थे जो फिल्मों के थे। लेकिन जब खास करके टी सीरीज का जब बृहत रूप आया तो प्राइवेट एल्बम्स बहुत बनने लगे, और भी कई सारे म्यूजिक कंपनी आ गई जो प्राइवेट एल्बम बनाने लगे, तो प्राइवेट एल्बम जो बनने लगे गड़बड़ी वहाँ शुरू हुई जी। चूँकि सिनेमा जब हम बनाते हैं तो सेंसर होती है फिल्म, तो वहाँ शब्दों पे कंट्रोल होता है जी। लेकिन जब एल्बम बनने लगे तो कंट्रोल छूट गया सबसे, और चूँकि हम हाँ और हमारा जो बिहार यूपी है, अब मुझे याद आता है जब मैं छोटा था 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ता होऊंगा, ये मैं बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 77-78 की बात कर रहा हूँ जी। शारदा सिन्हा के गीत जो है तब बड़े बजते थे जी। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला कही जाती थी उस वक्त, मतलब सुबह उठते अब मतलब आप सो रहे हैं तो जगदम्बा घर में दियरा बा रही नहीं है, बड़ा फेमस उनका जो है भजन था जो बजता था। तो शारदा सिन्हा के प्रोग्राम्स बहुत हुआ करते थे, प्राइवेट एल्बम बेसिकली पहले उनके ही शुरू हुए, उनके शुरू है ना। उसके बाद एक और आए जो आपके यूपी के थे बालेश्वर जी हैं, रहे 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 रहे, तो वहाँ से थोड़ा डाइवर्ट होने लगा जो ऑडियंस था, बेसिकली डाइवर्सन वहाँ शुरू हुआ। कि जब तक शारदा सिन्हा थी, शारदा सिन्हा से पहले बिन्नीवासिनी देवी थी जो फोक सॉन्ग रेडियो पे दबाते थे, रेडियो पे सुनाई पड़ते थे गीत, और उनके बिन्नीवासिनी देवी कुछ एल्बम भी बने थे, HMV ने निकाले थे। शारदा सिन्हा ने बहुत लोकप्रिय कर दिया, घर घर पहुंचा दिया भोजपुरी गानों को और भोजपुरी फिल्मों ने। फिर बालेश्वर आए तो वो जो एक उदंड टाइप जो करेक्टर होते हैं, जो लौंडे टाइप जो होते हैं, उनका एक जोर बढ़ने लगा वहाँ से, और फिर प्राइवेट एल्बम चलने लगे। और प्राइवेट एल्बम में ये स्थिति आ गई कि जितने गंदे लिख सकते हो ये दौर, और तो भोजपुरी जो गाने बर्बाद होने की बात करते हैं या अश्लील होने की बात करते हैं, बेसिकली भोजपुरी फिल्मों का उतना दोष नहीं है जितना प्राइवेट एल्बम का है। करेक्ट जी। और प्राइवेट एल्बम का गीत है या भोजपुरी फिल्म का गीत है ये तय करना मुश्किल हो गया जब यूट्यूब आया
क्योंकि आप भोजपुरी गाना लगाते हैं तो कोई भी गाना बजने लगेगा, अब आपको समझ में नहीं आएगा ये भोजपुरी का। अच्छा, फिर वो जो सिंगर थे, ये मनोज तिवारी से पहले एक और सिंगर था, छैला, नहीं पवन, सुनील छैला भी, जो पहली बार फिल्म में आया था उस तरह से, लेकिन वो चल नहीं पाया क्योंकि वो ये था, ये चल गया मनोज तिवारी। मनोज तिवारी में क्या था कि मनोज तिवारी थोड़े संस्कारित थे, थोड़ी उनकी पकड़ ऊंची थी, तो ये जो एल्बम वाला जो दौर आया और जो दिल्ली वाली कुछ कंपनियां लगी, तो भोजपुरी भोजपुरी फिल्मों की स्थिति को बिगाड़ने में एक बड़ा योगदान उनका है, जो अश्लीलता वाला जो लेवल है। और चूंकि वो गाने, चूंकि वो सिंगर ही हीरो बने, तो उनके हिट गाने जो है लिया उठा करके, फिर इन्होंने सिनेमा हॉल की बात कही, उन्होंने बात कही, फिर उन्होंने बात कही, वो सारे मिल करके कुछ गड़बड़ ऐसा हुआ, सहजता भी हुई लगी ना। जैसे पहले क्या होता था, गाना गाना तो भैया स्टूडियो तो बम्बई में ही है। अब तो आप तो टारगेट ऑडियंस भी जो है, ₹1000 में आपको ट्रैक मिल जाएगा, बिल्कुल ₹1000 में, ₹3000 में आपको ट्रैक मिल जाएगा। आप जाइए, आप सिंगर है, ट्यूनर ऑटो ट्यूनर लगा दीजिए, गाना गाइए, तो फिर मेहनत क्यों होगी उस पर? तो वही तो, तब रिजल्ट सामने। मैं आपको लिटरली बताऊं, मैं भी मराठी फिल्में कर रहा हूं, दो पहले मैंने भी की थी, अभी एक भिंगरी कर रहा हूं, एक अच्छे वो कृष्णा अभिषेक फर्स्ट टाइम मराठी मूवी कर रहे हैं, और उसे कुछ मैंने दो गाने रिकॉर्ड किए, शूट भी हुआ। तो मराठी में जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है मराठी संगीत का, एक तो मैं जहाँ का हूँ तो असली मेरे खून में है, लेकिन मराठी संगीत मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बहुत इसमें अभी जो एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं अजय अतुल, ये लोग इतना अच्छा अभी काम कर रहे हैं, तो उनका चीज़ों को, अब चूँकि मेरी को, मैं बाहर का हूँ, मैं महाराष्ट्रीय नहीं हूँ, तो मुझे सबसे पहले वहीं पर आता था, क्योंकि पहले वो फिल्म उनके पास गई थी, बट उनके व्यस्तता की वजह से और उनके ओवर बजट की वजह से मुझे, अब वो बात है कि वैसा ही बनना चाहिए, अब मैं वहाँ करूँ, तो मैं देखा जो डायरेक्टर्स और जो वो लोग संगीत को बड़े अच्छे तरीके से सोच रहे हैं वहाँ पे, डिफाइन जो हमारे डायरेक्टर्स हमारे स्क्रिप्ट राइटर हमारे प्रोड्यूसर जो करते हैं वो अलग तरीके से, वो क्लासिक कुछ सोचते हैं। भोजपुरी में सिर्फ ये चीज़ की कमी आ रही, जो बात को हम बार बार सबको बोलते हैं कि थोड़ा ज़रूरी नहीं कि सब गाने डांस बिट के हों, सारे गाने पर ही मस्ती किए जाए, एक गाना फिल्में हो गया, एक गाना हो गया कोई ऐसा डांस बीट का, बाकी वो चीज़ें जैसे आप धरती मैया और सबके गाने सुने, या गंगा किनारे मोरा गांव, या पिया के गांव, ऐसे सब बहुत रूहानी किस्म के गाने थे। तो मराठी सिनेमा में और मराठी संगीत में ये चीज़ें अभी फॉलो कर रहे हैं, और आज के लड़के भी कर रहे हैं, यंगस्टर भी हैं, और जो 15 साल 18 साल वो भी ट्रेडिशनल फोक की चीज़ों को ही आज पसंद कर रहे हैं, बस खाली तरीका बदला है उनका, ऑर्केस्ट्रेशन जो ऑर्केस्ट्रा था पहले का वो अलग था, अभी अलग हो गया, बस चीज़ें वही रहती। तो हम कहीं ना कहीं भोजपुरी फिल्म में यही उम्मीद कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स और हमारे सबसे कि रूह को ना जाने दिया जाए। बड़ी वजह आप देखते हैं ओम जी मुबारक जी, जो मराठी सिनेमा है उसमें क्रिएशन है, क्रिएट करते हैं वो जी, उसमें उसमें कुछ नया करना चाहते हैं। यस ऑफ कोर्स, हम भोजपुरी सबसे ज़्यादा मेहनत तो स्क्रिप्ट पर होती है। एग्जैक्टली बिल्कुल, इसलिए ना क्रिएट करने के लिए, तो क्रिएशन जो है उसकी सिनेमा जो है एक ज्वाइंट क्रिएशन है, अलग अलग फील्ड के लोग अपना क्रिएटिव माइंड लेकर के आते हैं और उसका जमा करते हैं और एक फिल्म बनती है। भोजपुरी सिनेमा में जो है वो दुर्भाग्य है कि हम कॉपी करते हैं जी। मैं आपको रोक के एक बात सिर्फ यहाँ बताना चाहता हूँ कि हम लल्लनटॉप हिंदी बेल्ट से हैं, हमारी ज़्यादातर टारगेट ऑडियंस हिंदी ही है, लोग भी हमारे हिंदी के ही ज़्यादा लोग देखते हैं, बट वहाँ पर मैं खुद एक मराठी फिल्मों की सीरीज चलाता हूँ जिसमें मैं हर हफ्ते एक मराठी मूवी का रिव्यू करता हूँ, वीडियो सीरीज़ है, लोगों को बताता हूँ कि ये फिल्म देखनी चाहिए, 25-30 उसमें एपिसोड आ चुके हैं। हमने भोजपुरी के लिए भी सोचा, सवाल आया कि ऐसी फिल्में कहाँ से लाओगे, सीरियसली आप 5-10 फिल्में दे दोगे उसके बाद क्या करोगे, सीरीज बंद थोड़ी ना करोगे, तो कहानी के स्तर पर क्यों नहीं ऐसा काम हो रहा। म्यूजिक हमने समझ लिया कि एल्बम वालों का बवाल है सब, वो अलग करना भी मुश्किल हो रहा है, और उन्होंने ये भी बताया कि वही गाने उठाना मजबूरी भी हो गई है, तो कहानी जब मैं स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में आया, चूंकि स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में कमलेश पांडे उसमें जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे जी। कमलेश पांडे हिंदी सिनेमा के बड़े राइटर हैं, अंजुम रजवली बड़े राइटर हैं हिंदी सिनेमा के, तो इन लोगों ने मुझे बुलाया था, एक प्रोग्राम करना था भोजपुरी पे, भोजपुरी में चूँकि भोजपुरी विंग शुरू करना चाह रहे थे कि अलग अलग जो सिनेमा है, रीजनल सिनेमा है, उसके भी रिप्रेजेंटेटिव जो है या उसके भी प्रतिनिधि जो है वो स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में हो। तो मुझे कहा कि भिखारी ठाकुर पे एक प्रोग्राम करो जी, तो मैंने भिखारी ठाकुर पे एक अच्छा सा कार्यक्रम करके दिया वहाँ पे, और लोगों को बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे कहा गया कि धनंजय भोजपुरी सिनेमा बेहतर कैसे होगा इस पे तुम काम करो, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं रिव्यू लिखता हूँ, तो स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन का एक अच्छा बड़ा अच्छा वेबसाइट है, कभी अगर आपको समय मिले तो टाइप कीजिए, SWA India.org।
जिसमें हमारे 30,000 के करीब मेंबर हैं, राइटर्स मेंबर हमारे हैं, और बड़ा अच्छा सा वेबसाइट है। उसमें हिंदी सिनेमा से या सिनेमा से जुड़ी हुई सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। स्क्रीन प्ले कैसे बनता है, पिचिंग कैसे होती है, शायद अगर आपने देखा हो तो मुस्कुरा रहे हैं, तो मुझे लगा देखा आपने। तो भोजपुरी सिनेमा पे मैंने हर वीक मैंने फिल्मों के रिव्यू की, क्योंकि मुझे लगता है कि 1,500-2,000 फिल्मों का रिव्यू तो मैंने किए होंगे, भोजपुरी नहीं खाली, हिंदी फिल्में मैंने बहुत रिव्यू की है। भोजपुरी में उस साल पूरा एक साल मैंने किया, समझिए कुछ 52-55 फिल्में मैंने लिखी होगी, उसकी समीक्षाएं लिखी होगी। और लिखते लिखते मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैंने कमलेश पांडे जी को कहा ये अब नहीं लिखूंगा, तो उन्होंने कहा क्यों, मैंने कहा मुझे जो लिखना आता है वो भूल जाऊंगा अगर मैं भोजपुरी फिल्मों की समीक्षा करता रहा तो। जी, तो आपने जो कहा कहानी की बात कही, देखिए कहानी कैसे बनेगी, हिंदी सिनेमा या कोई भी सिनेमा बनता है हिंदुस्तान में, तो पहले वो हीरो तलाशते हैं कि कौन हीरो होगा। तो हीरो जब तलाशते हैं, उसके बाद आप तलाशते हैं कि हीरो तक लेके कौन जाएगा। तो आपको लगता है कि फलाना एक्टर या फलाना डायरेक्टर लेके जाएगा, तो वो तय कर लेते हैं। फिर अब आता है कि भाई हीरो साहब कौन सी बनाएं सर पिक्चर, तो अब हीरो बताएंगे आपको कि कौन सी पिक्चर बनानी है, तो वो तो कहानी कहाँ बताएंगे, वो तो पिक्चर ही देखते रहते हैं। तो बोलेंगे वो देखो शोले जो है ना, उसमें गब्बर सिंह का रोल बड़ा बढ़िया था, उसको कुछ घुमाओ जरा, थोड़ा देसी बना दो। हाँ, तब एक कहानी राइटर पकड़, तो राइटर की औकात समझ लीजिए यहाँ पे कहाँ है, है ना। तो एक कोई राइटर पकड़ लेते हैं, क्योंकि राइटिंग तो हर किसी को आती है, इस इंडस्ट्री में माना जाता है कि जिसको जो राइटर बेसिकली है उसको राइटिंग नहीं आती है, बाकी सब लोगों को राइटिंग आती है, बाकी सब लोग राइटर हैं। जबकि हमें लगता है कि राइटर वो है जिसे ये मालूम हो कि क्या नहीं लिखना है, क्या लिखना है वो तो सबको आता है, सबको, सब जानता है क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है जिसको समझ आए वो राइटर कहलाता है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे भोजपुरी सिनेमा में वो राइटर हैं जिनको केवल लिखना आता है, वो लिख देते हैं, लिख के आपको पकड़ा देंगे कि ये लीजिए स्क्रिप्ट, और ताज्जुब आप करेंगे कि 3 दिन में पूरी फिल्म लिख देते हैं। 3 दिन में? हाँ, मुझे कहिएगा तो मैं बोलूँगा कम से कम 4-5 महीने लगेंगे। वो तो अभी सेट पे ये बैठे हैं एक्टर, वो लिख के दे देंगे कि ये लीजिए सीन है, आगे हम ऐसे ऐसे बना दिए हैं, और वो हीरो बताता जाता है, ये ज़्यादा बेहतर बताएंगे चूँकि सेट पर रहते हैं। अब चूँकि वो लोग सिंगर, एज अ सिंगर, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि गाना गा के आए, गाना गाते थे, शो चलता था। अब एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी होती है कि जब आप सिनेमा एक बहुत बड़ा, मतलब हिंदुस्तान में तो सिनेमा और क्रिकेट पॉलिटिक्स पे कोई भी बोल सकता है, ये हमारे लिए ऐसा लगता है हमारे घर की चीज़, हम सब जानते हैं। तो सिनेमा जब हम एज अ हीरो आ गए, हमारी एक फिल्म हिट हो गई, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि अब आप क्या कौन सा सीन करें। तो मैंने देखा है कई बार राइटर्स मन जाता भैया ये ऐसा सीन ना चाहिए, शराबी में अमिताभ बच्चन आता है और भैया आप ऐसे ही आएंगे, वही वाइट वाला दे रहा हूँ आपको, अब वो चला जाता है ट्रांस में, मैं अमिताभ बच्चन दिख रहा हूँ। अब वो चला गया वहाँ पे, फिल्म बनी तो सही लेकिन वो अमिताभ बच्चन थे और राइटर भी उसके कोई और थे, बनाने वाले कोई और थे, और बनी क्या। तो ऐसे ही फिर 2-3 फिल्म करने के बाद हर हीरो का मन होता है कि जो फलां वाला था ना, जब बचपन में मैंने फिल्म देखी थी तो मुझे वो करेक्टर करने का बड़ा मन है, पेट निकला है 38 इंच लेकिन वो पहलवान बनेंगे क्योंकि वो फिल्म में पहलवान था। अब चूंकि वो उनका चल रहा है, पैसे उन पे लग रहे हैं, तो राइटर की बात कहाँ आती है फिर। वो राइटर जैसा भैया ने तो कहा, राइटर कि वही उनके पास जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जो हो सकता है पानी भी पिलाता होगा, शाम में दारू भी बैठ के पीता होगा, वो राइटर हो गया। नहीं, कहानी वही सोचते हैं, ये वही कहते हैं, एक लाइन में बोला है, वही सोच ले हैं, इतने लिखे हुए खेले बढ़िया डायलॉग उलग। हाँ, मैं ये बताऊँ आपको, ये समझ गया मैं, हाँ समझ गया ना। अब मैं एक और उदाहरण देता हूँ जी। मेरे एक असिस्टेंट डायरेक्टर में जो असिस्टेंट था लड़का जी, वो डायरेक्टर बना, तो उसने कहा कि भैया एक स्क्रिप्ट मेरे लिए लिख के दीजिए। तो मैंने कहा कौन हीरो होगा, तो बोले फलाना हीरो होंगे, अभी जो 2-3 में से एक हीरो है वो फलाना हीरो होंगे। हमने कहा उसका रेपुटेशन मैंने जो सुना हुआ है बड़ा गड़बड़ है, तो मैं तो सुनाने उनाने जाऊँगा नहीं, तुम तो सुना आना। तो बोला नहीं भैया एक बार मिल लीजिए चल करके। हमने कहा चलो भाई। तो अच्छा, मुझे इसलिए डर लगता है कि मैं पता नहीं क्या बोल दूंगा सामने वाले को। तो मैं गया तो उसने वैनिटी वैन में बुलाया, बोला भैया 3 मिनट में कहानी सुना दीजिए, 3 मिनट में कहानी सुना दीजिए। तो चूँकि हम लोग ट्रेंड राइटर हैं, तो हमने कहा ठीक है, एक बिगनिंग का सीन सुना दिया, एक इंटरवल पॉइंट का सुना दिया, और एक क्लाइमैक्स बता दिया कि यहाँ पे ये जाएगा। इमोशन रखिएगा, इमोशन का ध्यान रखिएगा। हमने कहा है ना पहले से, देखिए यहाँ पे ये हो जाता है। अच्छा अच्छा ठीक, बढ़िया भैया बढ़िया है, चला गया। फिर वो, फिर मैंने स्क्रिप्ट, चूँकि अब उसने कहा कि भैया कहानी ठीक है, तो मैं लिखना शुरू किया।
तो मैंने कहानी लिख दी, स्क्रीन प्ले लिख दिया, डायलॉग लिख दिए, उसके बाद वो गया डेट लेने के लिए डायरेक्टर, उसने कहा मैं फिल्म नहीं करूँगा। बोला क्यों? बोला वो स्क्रिप्ट बढ़िया नहीं है। बोला आपने तो भैया कहा था कि कहानी अच्छी है। तो बोला नहीं, वो राइटर जो दिखे ना वो शरीफ से राइटर दिखे, पढ़े लिखे आदमी लगे। तो हम यही अजय ने कहा है ना, तो मुझे लगा कि नहीं यार उनके सामने मैं क्या बोलूं है ना, तो लेकिन वो स्क्रिप्ट नहीं चली। अरे पूरी ये जानते हैं उसमें विलेन थे। फिर जो है उस अब चूंकि मेरा वो असिस्टेंट रह चुका था, वो जानता है कि मैं किस किस्म का राइटर हूँ, तो मुझे कुछ बोला नहीं। चार दिन के बाद मुझे बोला कि भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूँ कि मिलो। तो उसने मुझे कहानी सुनाई कि क्या हुआ इस चार दिनों में। तो बोला कि जब उसने कहा कि मैं फिल्म नहीं करूँगा उस स्क्रिप्ट पे, तो प्रोड्यूसर ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया अब वो नहीं करेगा फिल्म तो मैं बनाऊँगा नहीं, चूँकि हीरो है तो फिल्म है। तो उसने कहा कि मैं तो पागल हो गया कि मैं क्या करूँ। तो उसने कहा कि अच्छा, डेढ़ साल से पीछे पड़ा था प्रोड्यूसर के कि ये फिल्म बनाओ, चूँकि यहाँ पर डेट भी आराम से नहीं मिलता हीरो के। तो उसने कहा कि मैंने 5 राइटर को बुलाया, मैं पकड़ दो, नहीं ठीक है। मैंने उसने कहा कि मैं 5 राइटर को मैंने बुलाया उसी ऑफिस में, और मैंने सुना लगातार कि सुना कहानी। 5ों सुनने के बाद मैंने कहा अरे यार साले तो बंडल बकवास सुना रहा है कुछ वही। तो मैं प्रोड्यूसर को बोला कि मैं प्रोड्यूसर के चैम्बर में गया और मैंने कहा कि भाई अब 1.5 साल मेरा बर्बाद होने दीजिए, मैं करूँगा तो उसी कहानी पर फिल्म बनाऊँगा, नहीं तो नहीं बनाऊँगा जो धनंजय भैया ने लिख के दी है। तो बोला कि लेकिन हीरो तो तैयार नहीं। बोला हीरो को तैयार करना मेरा काम। तो फिर वो उसने टाइम लिया, 2-4 दिन दौड़ाया उसको, फिर उसको एक दिन समय दिया कि ठीक है बताओ। तो उसने सुनाया इंटरवल तक, तो बोला क्या बात है ये तो जबरदस्त है यार। तो बोला भैया यही तो स्क्रिप्ट है। बोला अच्छा। फिर फिल्म की शूटिंग हो गई शुरू। अच्छा मैंने बाकायदा उसको अजय को हर सीन को ग्राफ करके बता दिया था कि भाई कैसे कहाँ से कैमरा लगाओगे और कैसे किसका किसका लोगे, डायलॉग बोल के मैं बता दिया था। एक दिन मुझे फ़ोन आता है, हेलो भैया, हाँ तो जो हीरो जो फलाना साहब बात करना चाह रहा है। हम कह रहे मुझे क्या बात कराओगे यार, खुद ही कर दो ना, कुछ चेंज वेंज करना है तो कर दो। तो नहीं आपसे बात करेंगे। तो मुझसे बात की, अच्छा तो आपने ही लिखी है फिल्म? हमने कहा हाँ मैंने ही लिखी है। तो ज़रा एक कुछ 2 पंक्ति का 2 लाइन का जो है एक शायरी कुछ बताइए, और एक लाइन वो दे चुका है कि ये फलाना लाइन होगी। हमने कहा ठीक है, लेकिन हमने कहा कि यार मैं नहीं लिखूंगा। डायरेक्टर को मैंने कहा कि ये मैं नहीं लिखूंगा, तुम लोग को जो लिखना है ऐसी तैसी कर लो, अब मुझे बात भी मत कराना प्लीज़, मैं फ़ोन उठाऊंगा नहीं। अच्छा, क्योंकि फिर मुझे कुछ बलबला जाऊंगा, बोल दूंगा तो तुम्हारी फिल्म रुक जाएगी। तो उसके बाद फिर मुझे फ़ोन नहीं किया, फिल्म मुझे दिखाई नहीं, ट्रेलर मुझे भेजा फिल्म बनाने के बाद। तो मैंने कहा यार ये ट्रेलर बहुत बंडल ट्रेलर है। तो मैंने भैया ट्रेलर में क्या है ना, हीरो साहब ने कहा कि ऐसा ये शॉट लगाओ, तो अब तो जानते हैं वैसे ही होता है, एडिटर भी वैसे ही कट पेस्ट करता है। एडिटर भी यहाँ पे जो होते हैं कट पेस्ट वाले होते हैं। अच्छा। कोई ब्रिलियंट एडिटर जो एडिटर कहते हैं कि फिल्म तीन जगह बनती है, एक कागज़ पर बनती है, फिर कैमरे पर बनती है, और फिर एडिटिंग टेबल पर बनती है। लेकिन यहाँ फिल्म जो है जो भी बनती है वो सेट पर बनती है, हीरो साहब बनाते हैं। अच्छा। और वही तय करते हैं कि एडिटिंग में किसका कहाँ क्लोजअप जाएगा, किसका कहाँ क्या जाएगा। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिल्म क्या बनाई है तुमने। बोला फिल्म में आपकी कहानी है, कहानी गई नहीं कहीं बस। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो देखने गया तो पहला सीन शुरू हुआ उनका। मैंने कहा कहाँ बेटे को लेके यार, कुछ गड़बड़ कर दिया, गुस्सा आया तो आया मुझे तेज, लेकिन मैंने छोड़ दिया। फिर आगे बढ़ा तो मैंने पूरी 2.5 घंटे मैंने फिल्म देखी। तो फिल्म जो है स्क्रिप्ट पे नहीं बनी थी, सिनॉप्सिस पे फिल्म बनी थी, है ना, जो सिनॉप्सिस फिल्म का 1.5 पेज का होता है उसी वही फिल्म की कहानी थी, बस उसी में फिल्म बनी थी। तो मैंने कहा ये क्या किया तुमने, डायरेक्टर को मैंने बुलाया, हमने कहा तू मेरा असिस्टेंट रहा है, ये क्या किया, ऐसी फिल्म बनती है, क्यों बनाया फिर मेरी पूरी, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट मैंने दी थी, वो इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है कि आज भी उस पर हिंदी फिल्म बढ़िया बना सकता हूँ मैं, स्क्रिप्ट मेरी खत्म नहीं हुई, स्क्रिप्ट मेरी पूरी बची हुई है। हाँ, और मतलब सिनॉप्सिस भी इतना, मतलब आप आउटलाइन में सुना होगा तो बोलेंगे हाँ ये फिल्म है। तो स्क्रिप्ट का इतना अच्छा, उसने क्या बताया कि भैया हमने 26-27 दिन तो शूट किया, तो 20 दिन तो ले लिया फाइट मास्टर डांस डायरेक्टर ने, तो मेरे हिस्से आए 6 दिन, तो 6 दिन में क्या शूट करूँगा। हमने कहा धन्य है भाई। तो मैंने कहा आप मुझसे फिल्म मत लिखवाना। तो ये हालत है स्क्रिप्ट की, और ये हालत इसलिए है कि सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा में आज भी प्रोफेशनल लोग
जिसको कहते हैं कि जो सिनेमा जिनके लिए सपना हो, सिनेमा जिनके लिए जीवन हो, वैसे लोग जुनून हो, वैसे लोग नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आप सब लोग जो इतने पैशनेटली काम करते हैं, इतना सिंसियरली सिनेमा पे बात करते हैं, हिस्ट्री पे बात करते हैं, ठीक है, आपको इसका दुख तो होगा ही कि ये जो टैग लगा है अश्लील सिनेमा, मारधाड़ वाला सिनेमा, तो आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में कभी ये चेंज होगा? कोई है जियाला जी इस पर काम कर रहा है? होगा, होगा, चेंज होगा, चेंज हो रहा है, थोड़ा धीमे धीमे हो रहा है। एक्चुअली चक्कर हुआ कि बहुत बड़ा जो गैप आता है कि एक मेकर जब एक हिट फिल्म देता है, वो चाहे डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, जिसने भी दिया भोजपुरी के एक दौर में, तो वो एक हिट देने के बाद वो उसी हिट पे टिक गए। अच्छा, कि फॉर्मूला मान लिए, उसको फॉर्मूला मान लिया, दर्शक तो बदल गया, दर्शक आगे बढ़ गया, दर्शक दिनेश लाल को भी देख रहा है, शाहरुख को भी देख रहा है, वो आमिर को भी देख रहा है, वो साउथ की फिल्में भी देख रहा है, वो हमको मुंह पे बोल देते हैं, कहा भैया साउथ को पिक्चर वाला चरोले वानी ना रहुआ फिल्म में, हम होटल में रेस्टोरेंट में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं और हमको हमारा एक बंदा बिहार का बता रहा है कि आपकी पिक्चर देखें जी, साउथ का कॉपी मारा है आप लोगों ने। वो तो ग्रोथ कर गया, हम ग्रो नहीं कर पाए, हमको लगा 5 साल पहले दिया था हमने सुपरहिट, तो उसी फॉर्मूले पे हम आज भी हैं कि आज भी सुपरहिट देंगे, मगर चीज़ें बदल गई। ये भोजपुरी में हमारे मेकर्स नहीं समझ पाए, और जब लाइन से फिल्में गिरने लगी तो समझ में नहीं आया कि फ्लॉप क्यों हो रहे हैं हम, इसी फॉर्मूले से तो हिट हुए थे, हम लाइन से हिट दी थी हमने, अब क्यों फ्लॉप हो रहे हैं? तो भैया दर्शक तो ग्रो कर गया ना, आप नहीं ग्रो कर पाए, आप वहीं अड़े हुए हैं कि ना हो पांच पंच मारी हीरो हमार तब्बे तो मजा आ, एक आइटम सॉन्ग, हम अब तक आइटम सॉन्ग से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं सर, आइटम सॉन्ग के जाल चेंज हो रहा है। संजय जी, मैं इन दिनों काफ़ी वर्क कर रहा हूँ, जब तो डायरेक्टर्स और मेकर्स अब पहले के हिसाब से ना बहुत चेंज हुए हैं, बोलते हैं कुछ तो उसके कुछ, लिए हमने इतनी फ्लॉप दी है, तो अब तो कम से कम समझ में आ गई, इतनी फ्लॉप के बाद तो समझ में आएगा हमें, तो क्लासिक चीजें नियर। अभी ट्रेड का क्या हालात है, मतलब इंडस्ट्री में क्या है, स्लो डाउन है, ठीक चल रही है फिल्में, नहीं है, क्या सीन है? थिएटर वाइज तो बहुत ख़राब हो गया बिज़नेस, क्योंकि अब सबके पास मोबाइल, सब लोग मोबाइल में ही फिल्में देखते हैं, चाहे अब वेब सीरीज़ पहले कहाँ कोई सोचता था वेब सीरीज़ बनाने के लिए, तो अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, देखने की जगह बदल रही है, धीरे धीरे सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, तो अब सिनेमा चूँकि सबके पास आ रहा है तो जाहिर है कि अब वो नहीं चलेगा। अच्छा, एक सवाल आपसे, आप हीरोइन हैं और आपके CV पे आता है कि भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन, तो क्या कुछ जब आपका कहीं इंट्रोडक्शन होता है या आप हिंदी में कोशिशें करती होंगी तो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कहीं, क्योंकि इंडस्ट्री के साथ जो टैग लगा हुआ है? हाँ, लोग जैसे आप पूछ रहे हैं अश्लीलता के बारे में, तो एक वो यूनिवर्सल टॉपिक तो बन ही गया है, लाइक भोजपुरी मीन्स अश्लीलता, तो मैं शायद मैं जैसा कहूँगी कि जो मैंने फर्स्ट फिल्म अपनी की है और अभी तक जो कर रही हूँ, तो मैं पर्सनली अपने रोल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा चूजी रही हूँ कि मैंने अश्लीलता का अ भी नहीं किया है अपनी फिल्मों में, और ये मतलब जी तो इसलिए मैं कहीं भी अगर बैठती हूँ, कहीं भी अगर जाती हूँ, तो मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि लुक एट माई फिल्म्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि भोजपुरी फिल्मों में सिर्फ अश्लील फिल्में बनती हैं, देन दैट इज़ नॉट ट्रू। तो इस सिलसिले को बनाए रखने के लिए आपकी कभी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर से तू तू मैं हुई कि यार ये तो मैं नहीं करूँगी, वो कहेगा नहीं इतना तो कर लो कम से कम टाइप्स? हुई तो है, ये होती है। बिल्कुल होती है, और कई बार ऐसा होता था कि जब मेरे पास फिल्में आती थी और वो जब मैं स्टोरी सुनती थी, बिकॉज मैं ऐसी नहीं हूँ कि हाँ भाई फिल्म आ रही है तो चलो मैं कर लेती हूँ, वैसा वाला मैंने शुरू से ही नहीं रखा है अपना। मैं पहले स्टोरी सुनती हूँ, अगर मुझे स्टोरी थोड़ी भी अपीलिंग लगती है, लगता है कि हीरोइन के करने के लिए कुछ है, तो वो सुनती हूँ। और तीसरी बात, हीरोइन एज अ हीरोइन जो मुझे नहीं करना है वो मैं पहले उनको बता देती हूँ, इफ़ यू आर ओके विद इट तो ही मैं इस फिल्म में हूँ, अदरवाइज दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी। एक लाइट सवाल पे ख़त्म करेंगे हम, बहुत देर तक हमने इतनी प्यारी गुफ्तगू की। कोई नॉन भोजपुरी जानने वाला बंदा है, मतलब जिसको भोजपुरी नहीं आती, मेरे जैसा बंदा है, उसको आप कौन सी एक मूवी है जो सजेस्ट करना चाहेगी कि भाई यहाँ से शुरू करो तो शायद उसका इंटरेस्ट जनरेट हो जाए? हर एक की अलग अलग चॉइस हो सकती है, आप बताइए। वैसे तो बहुत सारी फिल्में हैं, मगर जो फिल्म मुझे, जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, विशाल वर्मा ने एक फिल्म बनाई थी रंग दे बसंती, दिनेश जी को लेके, रणभूमि, अनिल अश्ताब ने डायरेक्ट की थी,
ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिन्हें आप देख के भोजपुरी को लेकर एक अलग वो बना सकते हैं, जो मैंने देखी हैं, जो मैंने नहीं देखी मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। ये कब आई थी? रंग दे बसंती तो 2004 में। तो अगर मैं कहूँ पिछले फ्लॉप फिल्में भी मानी जाती हैं, ये भी बता दूं मैं आपको, इनकी ऑडियंस हम वो भोजपुरी, ये टिपिकल मसाला इन फिल्मों में नहीं था जो ऑडियंस को चाहिए था। तो क्या भोजपुरी में भी ये चलता है जो हिंदी में दो लाइन चलती है, कमर्शियल सिनेमा, आर्ट सिनेमा, ऐसा कुछ यहाँ है या नहीं? ऐसा कुछ, ऐसा ट्रेड नहीं, ऐसा दो लाइनें नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो थोड़ा सीरियस बनाते हैं, इंटेलेक्चुअल मूवी बन जाती है तो वो आर्ट सिनेमा हो जाता है। आर्ट सिनेमा हिंदी में भी, जिसमें ऐसे रिक्शा विक्शा उड़ नहीं रहा है। हाँ, जब कमर्शियलाइज बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा इंटेलेक्चुअली बनाया गया है, मतलब अच्छे राइटर्स उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, अच्छे टेक्स अच्छे हुए हैं, तो जब ऐसा कुछ बन जाता है तो वो अपने आप आर्ट सिनेमा बन जाता है। तो हिंदी में भी चीजें बदल गई हैं, अब हिंदी में भी जैसे पहले अब होता था कि पैरेलल सिनेमा या इसको वो समानांतर सिनेमा, अब नहीं रहा है। अब उस समय के जो आर्टिस्ट थे इतने मजे हुए वो लोग थे, नसीर साहब, ओमपुरी साहब, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, पंकज, जितने भी थिएटर के लोग हैं जिन्होंने सिनेमा में काम किया, उन्होंने बड़ी शिद्दत से काम किया उसमें, क्योंकि उन्होंने सीखा है, उसको पढ़ा है सिनेमा को। और उस समय तो उनका सिनेमा रिलीज भी नहीं हो पाता था, हम लोग देख भी नहीं पाते थे कि पार आई है, फिल्म फेस्टिवल होता था, लोगों तक पहुँच नहीं। अब दबंग भी हिट है और बरेली की बर्फी भी हिट है, बरेली की बर्फी भी हिट है। अब आप आर्टिकल 15 देखिए, आप कोई भी फिल्म जो मल्टीप्लेक्स में रिलीज होती है, अगर दम है, अभी एक फिल्म ड्रामेबाज या ड्रीम गर्ल कोई आई थी, तो सब्जेक्ट आज अंशुमान खुराना एक अलग तरीके का हीरो है, राजकुमार राव एक अलग सिनेमा कर रहे हैं, शाहरुख खान अलग कर रहे हैं, सलमान खान अलग कर रहे हैं, यहाँ भी वही होगा। होगा, आपको उम्मीद है, बिल्कुल होगा। में अब स्क्रिप्ट हीरो बन गया है, वैसा भोजपुरी में आना जरूरी है। तो अब कहानियाँ भोजपुरी इंडस्ट्री को चलाएंगी, ये आप सब लोगों को उम्मीद है, हम भी इनकी उम्मीद में शामिल होते हैं, हम भी ख्वाहिश रखते हैं कि ये सीन बदले। भोजपुरी इंडस्ट्री जितना हम बाहर से जानते हैं उससे कई ज़्यादा है, सिंसियरली काम होता है। ये बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप ललन टॉप को फॉलो करते रहिएगा, ललन टॉप मुंबई में था, चुनाव यात्रा पे था, साथ में साथ हमने ये चीज़ें भी कर ली हैं जो एक अलग फ्लेवर, एक अलग रंग देती हैं। हम मुंबई में घूम रहे हैं, हमारे ट्रैवल पार्टनर वाव कैप्स हैं, आप ललन टॉप को देख रहे हैं, कैमरे के पीछे राशिद है, काफ़ी देर से खड़े हैं, मेरा नाम मुबारक है, आप हमें फॉलो करते रहिएगा, हम हर रंग हर फ्लेवर आप तक पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।